जय हिंद दोस्तों, करियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम और आप दोनों मिलकर न्यू दुनिया में चलते हैं। न्यू दुनिया कहने का मतलब है न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग, जो कि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। यदि आप लोग कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग आगे कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे ए पेयर द लीनियर इक्वेशन का 3.1 में काफी इजी क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीका से आप लोग को समझ में भी आएगा। तो हम लोग को सबसे पहले ये चैप्टर थोड़ा सा कुछ अलग है, ठीक है, जो कि देखिए नाम से भी पता चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का कहने का मतलब क्या है, इस तरह का इस चैप्टर में किस तरह का क्वेश्चन रहता है, सभी को पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा ग्राफीय विधि। कौन सा पढ़िएगा? ग्राफीय विधि, जो कि आप लोग को ये विधि पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि आप लोग ग्राफीय विधि अच्छी तरीका से जानते हैं तो आप लोग को तो 5 नंबर कन्फर्म है बन ही जाएगा। कितना नंबर? तो 5 नंबर, ठीक है। ग्राफीय विधि यदि आप लोग को अच्छी तरीका से बनाने के लिए आता होगा तो आप लोग को बहुत इजी से आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पढ़ना है विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि, विलोपन विधि। चलिए जी, तीसरा में आप लोग को पढ़ना है क्या? तीसरा में आप लोग को पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? तो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है जी, प्रतिस्थापन विधि। चौथा में आप लोग को पढ़ना है कौन सा? तो चौथा में आप लोग को पढ़ना है वर्ज गुणज विधि, ठीक है जी, वर्ज गुणज विधि। उसके बाद पांचवा में आप लोग को पढ़ना है एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक है, एक्स और वाई का मान निकालना है। और छठा में इसमें पढ़ना है उम्र के बारे में, ठीक है। जैसे कि इस तरह का भी आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे कि शीला ने अपने पिता से 5 गुना उम्र में ज्यादा, इस तरह का क्वेश्चन इसी चैप्टर में आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए भी इस चैप्टर में पढ़ना होगा। सातवां नंबर आप लोग को समीकरण हल करना पड़ेगा, समीकरण हल करना है, ठीक है। आठवां नंबर में आप लोग को पढ़ना है क्या, बताइए, आठवां नंबर में आप लोग को क्या पढ़ना है? तो आप लोग को देखिएगा, आठवां नंबर में आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, समीकरण का साथ ही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसमें टोटल आप लोग को साथ ही टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, बात करते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म में क्या कैसा क्वेश्चन रहता है। तो जैसे आप लोग कभी मार्केट गए होंगे, ठीक है, मार्केट गए होंगे, हम मान लेते हैं कि एक ठो रोहित है, ठीक है, एक ठो रोहित है और एक ठो रोहन है, दोनों दोस्त मिलकर गया है कहां, तो मार्केट गया है, ठीक है। ये लिया है, रोहित लिया है पांच ठो पेन लिया है, ठीक है, कितना पेन लिया है? 5 पेन लिया है, उसके बाद और 10 किताब लिया है, ठीक है, 10 किताब लिया है। उसके बाद रोहन जो है 10 ठो बिस्कुट लिया है, उसके बाद 5 ठो चॉकलेट लिया है, चॉकलेट लिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग समीकरण के रूप में किस तरह से लिखेंगे? और रोहित के पास टोटल 30 रुपया है और रोहन के पास टोटल 40 रुपया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को रहेगा तो किस तरह से लिखिएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग माना कि पेन है कितना, एक्स है, पेन एक्स है, और बुक मतलब किताब कितना है, तो किताब वाई है, ठीक है जी, किताब वाई है। तो आप लोग समीकरण बना सकते हैं कि नहीं, 5x + 10y = 30, इस तरह से आप लोग को बनाना है, ठीक है। ये आप लोग को रोहित का हो गया, ये रोहित का इक्वेशन हो गया। उसके बाद रोहन का इक्वेशन क्या होगा, तो फिर से लिखिएगा, माना कि बिस्कुट है क्या, बिस्कुट एक्स है, ठीक है, बिस्कुट जो है एक्स है, उसके बाद चॉकलेट जो है क्या है, तो चॉकलेट है, चॉकलेट वाई है, ठीक है। तो आप लोग क्या समीकरण बनाइएगा, 10x + 5y = 40, ठीक है। ये था आप लोग को इस तरह का समीकरण
बनाना और दोनों समीकरण को हल करिएगा तो यही हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा एक उदाहरण और देते हैं, जैसे कि 5 केजी आलू और 4 केजी चीनी का टोटल दाम है 30 रुपया, तो बताइए उसका समीकरण बताइए, उसका समीकरण बताइएगा तो आप क्या लिखेगा 5x + 10y बराबर कितना हो जाएगा 40 रुपया, बोले 40 रुपया। ठीक है, ये आप लोग का समीकरण बन गया। अच्छा अगला लेते हैं, मान लेते हैं कि रोहित तो वाला उदाहरण हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग पल्लवी, ठीक है पल्लवी मार्केट गई है और 4 ठो पेंसिल ली है, ठीक है थोड़ी हटाइए, 4 केजी आलू ली है, उसके बाद 2 केजी चीनी ली है, क्या ली है 2 केजी चीनी ली है और टोटल उसके पास कितना पैसे रुपये थे, तो मान लीजिए 300 रुपया। ठीक है, तो आपका यही समीकरण बन जाएगा, समझे बात को। इसी तरह का आप लोग को क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ना है, अगला पढ़ना है संगत असंगत, ठीक है संगत और असंगत और असंगत असंगत, ठीक है उसके बाद नंबर में पढ़ना है संपाति, उसके बाद क्या पढ़ना है संपाति पढ़ना है, उसके बाद प्रतिच्छेद ही पढ़ना है प्रतिच्छेद, ठीक है प्रतिच्छेद, उसके बाद आप लोग को पढ़ना है समानांतर, ठीक है उसके बाद पढ़ना है समानांतर, उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है बताइएगा, उसके बाद पढ़ना है 10 नंबर में अनेक हल होता है या एक हल होता है, ठीक है अनेक हल या कितना हल होगा, अनेक हल होगा या एक दो हल होगा या 3 हल होगा, ये सभी पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है क्या बताइएगा, उसके बाद संपाति रेखाएं, इतना ही आप लोग को समानांतर रेखाएं यार के बारे में पढ़ना है, ठीक है जी इतना ही आप लोग को टोटल पढ़ना है। यदि आप लोग 10 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप लोग को चैप्टर नंबर 3 पूरी अच्छी तरीका से कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, ग्राफीय विधि जो कि आप लोग को बहुत बारीकी से आप लोग को समझना है, ठीक है। अच्छा और आगे बात करते हैं, इतना जो है आप लोग को टॉपिक है आप लोग लिख लीजिएगा अपने अपने बुक में, उसके बाद आप लोग समझ में भी आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किस तरह का हम लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो इतना आप लोग नोट कीजिए, ठीक है और आप लोग को दिख भी रहा होगा सभी। चलिए जी तो आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात करना है हम लोग को 3.1 से पहले आप लोग को देखना है कुछ और, ठीक है नहीं तो एक और उपाय है कि आप लोग को जिस तरह से क्वेश्चन आते चलेगा हम बताते चलेंगे, क्या बोलते हैं आप लोग, कैसे आपकी इच्छा बताइए, पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं या क्वेश्चन पर ही आप लोग को कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बोलिए। तो बोलिएगा जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, ठीक है कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं, अनेक हल ग्राफीय विधि ये सभी आप लोग को करना है। चलिए जी तो आप लोग इतना कर लिए होंगे तो चलिए एक थोड़ा और ध्यान रखिएगा, चलिए हम एक ठो लेते हैं समीकरण, ठीक है क्या लेते हैं समीकरण लेते हैं, तो आपका समीकरण है एक मिनट, आपका समीकरण है x-2y, क्या है x-2y बराबर जीरो, उसके बाद है 3x प्लस 4y माइनस बीस बराबर जीरो, ठीक है जी। तो बोल रहा है इसमें कि अनुपातों की तुलना पहला लिखना है आप लोग को, उसके a1y a2 उसके बाद b1y b2 उसके बाद c1y c2, ध्यान रखिएगा यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए जी आगे देखते हैं हम लोग, अगला हम लोग को अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना, चलिए उसके बाद है ग्राफीय करना है, ग्राफीय निरूपण, उसके बाद है आप लोग को बीजगणितीय निरूपण, ठीक है बीजगणितीय निरूपण। चलिए जी तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं
ए वन वाई ए टू। तो देखिए इसका ए वन है ये और इसका ए टू है ये, वी वन ये, वी टू ये। उसके बाद सी वन इसमें नहीं है तो सी वन आप लोग को क्या हो जाएगा, तो सी वन आप लोग का जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वन आप लोग को जीरो हो जाएगा, ठीक है। सी वन ये हो जाएगा और सी टू ये हो जाएगा। तो चलिए ए वन वाई ए टू करना है, ठीक है जी, ए वन वाई ए टू करना है। तो बताइएगा ए वन वाई ए टू क्या होगा, तो ए वन इसमें क्या है बताइए आगे, तो बोलिएगा आप लोग कुछ नहीं तो एक होता है, ठीक है। तो एक बटा तीन हो जाएगा ए वन वाई ए टू, ठीक है। उसके बाद बी वन वाई बी टू, तो बी हम लोग को कितना है तो माइनस टू है, बी हम लोग को कितना है तो माइनस टू है। उसके बाद ये कितना है बी टू, तो बोलिएगा फोर है, ठीक है। उसके बाद सी वन कितना है तो जीरो है, सी वन क्या है तो जीरो। उसके बाद सी टू हम लोग को कितना है तो माइनस ट्वेंटी है, माइनस ट्वेंटी, ठीक है। अब अनुपातों की तुलना, अब क्या है अनुपातों की तुलना, बताइएगा इसमें कौन बराबर है, बताइए तो आप लोग को कौन बराबर है। तो बोलिएगा इसमें कोई भी बराबर नहीं है, तो ए वन वाई ए टू, ए वन वाई ए टू एक्सकेल टू नोट, बताइए ए वन वाई ए टू। उसके बाद क्या होगा, तो बोलिएगा वी वन वाई बी टू, वी वन वाई बी टू। देखिए सी वन वाई सी टू हम नहीं लिख सकते क्योंकि देखिए यहाँ पे तीन ही समीकरण है, ठीक है, दो ही समीकरण है। तो चलिए आगे बताइएगा ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण में इसका क्या होगा, समानांतर होगा या समपाती होगा, बताइएगा तो आप लोग बताइए क्या होगा। ए वन वाई ए टू रहता है तो यदि आप लोग बोलिएगा प्रतिच्छेद करते हुए समपाती है, ठीक है, प्रतिच्छेद क्या होगा जी, तो प्रतिच्छेद, ठीक है, करती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई। इसका समीकरण का हल कितना होगा, तो केवल एक ही होगा, केवल एक होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी उठता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। चलिए जी अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है फर्स्ट, दूसरा में हम लोग चलते हैं, आप लोग कहे टू एक्स प्लस थ्री वाई, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन, माइनस नाइन बराबर क्या होगा, तो माई आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है। उसके बाद आप लोग का फोर एक्स प्लस छ वाई, प्लस छ वाई माइनस अठारह बराबर जीरो। तो बताइएगा इसमें कि ए वन वाई ए टू क्या है, तो ए वन वाई ए टू आप लोग को क्या है, तो दो वाई चार, दो वाई चार, ठीक है। उसके बाद बी वन वाई बी टू क्या है, तो थ्री वाई सिक्स, थ्री वाई सिक्स। उसके बाद है कितना, तो सी वन वाई सी टू, तो यहाँ पे नौ वाई अठारह, नौ वाई अठारह, ठीक है। चलिए जी तो इसमें कितना है, सभी के सभी बराबर है, ठीक है, सभी के सभी बराबर है, यानी कि ए वन बराबर ए टू बराबर वी वन वाई बी टू बराबर सी वन वाई सी टू, बी वन ए वन बराबर ए बटा ए टू बराबर वी वन बटा वी टू बराबर सी वन बटा सी टू, ठीक है। तो बताइएगा इस तरह के रहता है तो क्या हो जाएगा, तो संपाती हो जाएगा, कितना हो जाएगा, संपाती रेखाएं हो जाएंगे, ठीक है, संपाती रेखाएं। चलिए जी अगला बताइएगा इसका कितना हाल होगा, अपरिमित हो जाएगा, ठीक है, अपरिमित हो जाएगा। चलिए जी तीसरा नंबर हम लोग पहुंचते हैं, तीसरा नंबर प्रतिच्छेद हो गया, संपाती रेखाएं हो गए और समानांतर रेखाएं अब की बार देखना है, ठीक है जी, समानांतर रेखाएं देखना है। तो आपका समीकरण लेना है एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर, उसके बाद है टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व बराबर जीरो बराबर जीरो, ठीक है। चलिए जी तो बात करते हैं आपका ए वन बराबर ए टू कितना है, तो ए वन और ए टू, तो वन वाई टू हो जाएगा, ठीक है, वन वाई टू हो जाएगा। उसके बाद है बी वन वाई बी टू, बी वन वाई बी टू यानी कि दो वाई चार, ठीक है। उसके बाद सी वन वाई सी टू कितना है, तो चार बटा बारह, चार बटा बारह। तो बताइएगा इसमें क्या है, वन वाई टू ये भी दे देगा, उसके बाद वन वाई टू ये भी दे देगा, उसके बाद ये कितना दे देगा, वन वाई थ्री। तो आप लोग लिख सकते हैं ए वन वाई ए टू, ए वन वाई ए टू बराबर हो गया बी वन वाई, बी वन वाई वी टू बराबर सी वन वाई सी टू। चलिए देखिए ए वन, ए वन वाई ए टू कितना है, तो वन वाई टू है। उसके बाद बी वन वाई बी टू क्या है, तो वन वाई टू है, यानी कि ये दोनों बराबर है। उसके बाद आप लोग को क्या होगा, तो सी वन वाई सी टू क्या है, वन वाई थ्री, तो बराबर नहीं है, तो आप लोग को ये हो जाएगा, मतलब कि सी वन वाई सी टू बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना, बताइए प्रतिच्छेदी हो गया, समपाती हो गया, यानी कि समानांतर होगा, ठीक है जी, समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं। चलिए बताइएगा इनका कितना होगा, तो अनेक हल होगा, ठीक है, कितना होगा, तो अनेक हल होंगे, ठीक है, अनेक हल होंगे।
सॉरी इनका कोई हल नहीं होगा, एक मिनट, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन है यहां से आप लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठता है, यदि आप लोग ये वाला ध्यान रखते तो आप लोग को 3.1 में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से ये सभी बात को ध्यान रखेगा। चलिए एक बार और समझा देते हैं, हम लोग रिपीट कर देते हैं, ये यक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो, ठीक है, यक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो, उसके बाद है थ्री यक्स प्लस फोर वाई माइनस 20। तो आप लोग को समीकरण ये वन है और ये समीकरण टू है, ठीक है, समीकरण वन है और ये समीकरण टू है। तो चलिए इसको हम लोग बोलते हैं ए वन, ठीक है, ए वन, इसको ए टू, इसको बी वन, इसको बी टू, इसको सी वन, इसको सी टू, ठीक है, समझे बात को, इसको ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, ए वन ए टू वी वन वी टू सी वन सी टू, समझे बात को। उसके बाद यहाँ पे रख देना है जो जो बोल रहा है, ए वन में आप लोगों को क्या है तो ए वन में एक है, उसके बाद ए टू में क्या है तो थ्री है, तो वन बाई थ्री हो गया, उसके बाद बी वन कितना है तो बी वन माइनस है माइनस टू, तो माइनस टू दे दिए, उसके बाद आप लोग को बी टू कितना है बताइए आप लोग, बी टू कितना है तो बी टू आप लोग को फोर है, तो बी टू आप लोग को फोर है, तो यहां तक समझ में आया कि नहीं, तो बी टू आपका फोर हो गया। उसके बाद सी वन वाई सी टू है, तो सी आप लोग को इसमें समीकरण में नहीं था, तो समीकरण में नहीं था तो आप लोग को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं होता तो जीरो लिखिएगा, जीरो बाई ट्वेंटी, समझे बात को। यहाँ पे सिर्फ आप लोग को मकसद बनाना है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी बराबर जीरो, इस तरह का आप लोग को बनाना है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी, इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन, मतलब कि समीकरण, ठीक है, इक्वेशन मतलब होता है समीकरण। यदि आप लोग को ए वन बराबर ए टू बराबर बी वन बराबर बी टू नहीं, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या इसमें तीनों तीनों बराबर है, तो बोल सकते हैं आप लोग कि नहीं कि अच्छा हम यहाँ भी तो नहीं लिख सकते सी वन वाई सी टू, तो बोलिएगा जी आगे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बोलिएगा जी हम आगे लिख सकते ए वन वाई ए टू इक्वल नॉट इक्वल टू बी वन वाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन वाई सी टू, तो क्या हो जाएगा, तो प्रति छेद ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति छेद हो जाएगा, ठीक है, प्रति छेद मतलब कि तीनों के तीनों बराबर नहीं रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो प्रति छेद बोलेंगे, ठीक है। यदि तीनों का तीनों बराबर रह गया तो उसे हम लोग बोलते हैं समानांतर रेखाएं, ठीक है। उसके बाद ए वन वाई ए टू बराबर बी वन वाई बी टू, मतलब कि दो ठो बराबर रहा, उसके बाद आप लोग को तीसरा नहीं बराबर रहा तो वो बोलिएगा समानांतर रेखाएं। तो अच्छा यहां से भी ध्यान रखिएगा कि समानांतर यदि रेखाएं होते हैं तो उनका कितने हल होते हैं, तो बोलिएगा कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं होता। यदि संपाती मतलब कि तीनों के तीनों बराबर रहता है तो उसका क्या हल होता है, तो अनेक हल होते हैं, परिमित मतलब हो जाते हैं अनेक हल, ठीक है जी, अनेक हल। चलिए जी, और यदि प्रतिच्छेद रहते हैं मतलब कि तीनों तीनों बराबर नहीं रहते हैं तो उसका बोलते हैं हम लोग केवल एक ही हल होते हैं, ठीक है जी। चलिए जी अब आगे हम क्वेश्चन पे पढ़े, बताइए आप लोग को इतना तक समझने में किसी को कोई डाउट, तो बोलिएगा किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आपका क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, तो आप लोग इतना नोट करिए पहले। चलिए जी, तो आपका फर्स्ट नंबर 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 10 यानी कि कक्षा यक्स मतलब होता है कि कक्षा 10 का स्टूडेंट, ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली मतलब होता है बुझ बुझौगा, जो कि आप लोग भी सुने होंगे बुझ बुझौगा, ठीक है। तो आप लोग को पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है, चार अधिक है तो प्रतियोगिता भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को फर्स्ट 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहले सोचिए आप लोग को क्या क्या करना चाहिए, बताइए, तो आप लोग बताइए, आप लोग बताइए पहले क्या करना चाहिए। जब तक हम लोग इंक को डालते हैं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, बता और सोचते रहिएगा कि क्या करना है आप लोग को। तो आप लोग क्या बोलते हैं, बोलिए,
आप लोग बोलिए तो क्या बोलना चाहते हैं। तो आप लोग बोलिए कि सबसे पहले इसमें तो मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मानते हैं भी, क्योंकि हम लोग यक्ष भाई तो सबसे पहले समीकरण में इसी तरह से करते थे, मानते थे, ठीक है, क्या करते थे तो मानते थे, ठीक है। तो आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग सबसे पहले लिखना है हल, क्या लिखना है, हल, ठीक है, हल। पहले लिखिए माना कि, क्या लिखना है, माना कि लड़कियां क्या है, तो लड़कियों, लड़कियों यक्ष, ठीक है, लड़कियों क्या है जी, तो यक्ष। उसके बाद आप लोग लड़कों को क्या मानिएगा कि लड़के कितना है, तो लड़कियां आप लोग बोलिएगा बाई है, बात को समझे। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग कि आपका क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के टोटल विद्यार्थी 10 थे, मतलब कि लड़का प्लस लड़की यक्ष प्लस वाई बराबर कितना थे, तो 10 थे टोटल, यक्ष प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक है। आप लोग को यहां तक बन गया, ठीक है, यहां तक आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या तो कितना है जी, तो कितना है बताइएगा, तो आप लोग बोलिएगा 4 अधिक है, मतलब कि यक्ष माइनस वाई बराबर 4 होगा, यक्ष माइनस वाई बराबर 4 होगा, ये आपका समीकरण है, ठीक है जी, आपका ये समीकरण है। चलिए तो हम निकालते हैं अब, और आगे बोल रहा है कि तो प्रतियोगिता भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिएगा, मतलब कि लड़का कितना है, तो जैसे 10 कितना आ सकता है बताइए, तो 7 प्लस 3 बराबर 10 होगा, मतलब 7 लड़का 3 लड़की, उसके बाद 2 लड़का 8 लड़की, तो उसके बाद क्या होगा, क्या 8 लड़का 2 लड़की। अच्छा बात कर ले आप लोग किस तरह से बना रहे हैं बताइए, ये तो बताइए आप लोग कौन सा मेथड से बना रहे हैं, जो हम बना रहे हैं किस मेथड से बना रहे हैं बताइए, तो आप लोग बोलिए कि पता नहीं हमें क्यों कौन सा मेथड से आप बना रहे हैं। तो देखिए हम लोग ना ही कोई ओझा गुनी है, ना ही हम लोग किसी अंदाजा भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग को सही हो जाए, तो हम लोग मेथड से करते हैं, ठीक है, जो कि अब बात करते हैं मेथड से। चलिए इस तरह से यदि आप बनाना चाहते तो जिसे हम लोग बोल सकते हैं तुक्का लगाना, यदि आपका 80% चांस है गलत होने का, 20% चांस रहेगा सही होने का, ठीक है। चलिए जी तो अब हम हल करते, पहले निकालते लड़का और लड़कियों की, ठीक है, तो यक्ष प्लस वाई बराबर 10 है, उसके बाद है यक्ष माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अब यहाँ पर प्लस है माइनस कर देते हैं, सॉरी जी हाँ, उसके बाद माइनस कर देते हैं, ये वाला आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है। चलिए जी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्ष से यक्ष खत्म हो जाएगा, प्लस 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 होता है, 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, समझे। तो चलिए बात करते हैं आगे, आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो ये 10 और 4 कितना होता है, 14, 10 और 4 14 होता है, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 14/2, ठीक है, y का मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। बताइएगा आप लोग 7 किस कौन है, लड़का या लड़की है, तो आप लोग बोलिएगा लड़का है, कितना है, बाई जो है लड़का है, ठीक है, बाई आपका क्या है, तो बाई आपका लड़का है, टोटल 7 है, बात को समझे। चलिए जी आगे बात करते हैं, आपका अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, यक्ष प्लस बाई बराबर 10 है, आप लोग लिखिएगा इक्वेशन 1 इसको मान लीजिएगा, इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग रखिएगा कि समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर, ठीक है जी, रखने पर, चलिए जी रखने पर, तो आप लोग क्या रखिएगा, आपका फर्स्ट समीकरण है यक्ष प्लस वाई बराबर 10, यक्ष प्लस वाई बराबर 10 है, तो आप लोग को वाई का मान कितना आया, तो यक्ष प्लस 7 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद आप लोग को 10 है, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा आप लोग को 3 हो जाएगा, तो आप लोग को लड़कियों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और लड़का क्या हो जाएगा बताइए, लड़कियों आप लोग को कितना हो जाएगा, लड़कियों आपको 3 हो जाएगा, और सॉरी लड़के हो जाएगा आपका वाई, और लड़कियां हो जाएगा मतलब कि यक्ष, यानी कि लड़की आपका हो गया 3 और लड़का हो गया 7। अच्छा एक बार क्वेश्चन आप लोग को पढ़ते हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे, गणित में पहली प्रतियोगिता में भाग लिए थे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, सॉरी यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ मानना पड़ेगा आप लोग को लड़कियों को मानना पड़ेगा बाई, और लड़का का मानना पड़ेगा यक्ष, समझे बात को, लड़कियों को आप लोग को क्या मानना पड़ेगा, लड़कियों को आप लोग को मानना पड़ेगा
यक्ष, उसके बाद इसको मानना पड़ेगा बाई। ठीक है जी, चलिए सही था। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग को, इतना तो आप लोग का आंसर आ गया है, ठीक है, आपका इतना तक तो आंसर आ गया। लेकिन आप लोग को सबसे ऊपर में लिखा था कि ग्राफीय विधि द्वारा हल करिए, क्या करना है, तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। तो ग्राफीय विधि द्वारा आप लोग को ध्यान रखना है, ग्राफीय विधि द्वारा इतना को आप लोग को साफ करना पड़ेगा बोर्ड को, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग ग्राफीय विधि, ये वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ग्राफीय विधि कब हम देखते हैं, ठीक है। आपका ग्राफीय विधि क्या बोलता है बताइए, आपका समीकरण था यक्स प्लस वाई बराबर कितना था, 10 था, उसके बाद यक्स माइनस वाई बराबर यक्स माइनस वाई बराबर क्या था, तो 4 था, ठीक है। चलिए जी अब हम बात करते हैं ग्राफीय विधि हल, ठीक है, यहां से लिख दीजिएगा हल, उसके बाद ग्राफीय विधि क्या होगा, ग्राफीय विधि। चलिए तो हम एक एक समीकरण को हल करते हैं, तो आप लोग यक्स प्लस 10 बराबर 0 ले सकते हैं, यक्स प्लस 10 बराबर 0 ले सकते हैं, तो आप लोग क्या बोलिए, सॉरी 10 है, 10 ले लिया हम। उसके बाद देखिए यहाँ पर है यक्स बाई को हम लोग बराबर में रखते हैं, उसके बाद 10 माइनस यक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बोलिएगा जी हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, यक्स प्लस वाई कर देना, यक्स, चलिए जी यक्स और बाई का मान निकालिए, क्या बन जाएगा आप लोग से बताइए, तो यक्स और बाई का मान निकालिए। तो यदि हम लोग कितना रखते हैं, यक्स बराबर यहाँ पे हम 2 रखते हैं, यक्स का मान आप लोग को 2 रखिएगा, जैसे कि बाई बराबर 10 माइनस यक्स है, तो आप लोग बाई का मान निकालना है, तो हम लोग को 10 का मान हम लोग क्या रखते हैं, यक्स का मान हम लोग 2 रखते हैं, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, तो बाई का मान आप लोग को 8 आ गया, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे 3 रखते हैं, बाई का मान यक्स का मान 3 रखते हैं, तो बाई का मान आप लोग को 7 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 10 रखेंगे, ठीक है, 5 रखेंगे, इजी बन जाएगा, 5 रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कितना, 5, समझे बात को। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट समीकरण था, सेकेंड समीकरण को हम लोग देखते हैं। आपका सेकेंड समीकरण बोल रहा है यक्स माइनस, ये फर्स्ट समीकरण हल हो गया, उसके बाद सेकेंड समीकरण है यक्स माइनस वाई बराबर 4 है, क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर 4 है, तो आप लोग बोलिएगा कि यक्स यक्स बराबर हम लोग 4 प्लस वाई रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, इधर माइनस में तो बॉर्डर के उस पार जाएगा, तो आप बोलिएगा प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यक्स और वाई का निकालना हम लोग को, 3 ठो मान, कितना मान, यदि आप लोग दो को वैल्यू रखिएगा तब पर भी आपका सही हो सकता है, लेकिन आप लोग को पता नहीं चलेगा कि गलत बनाए हैं या सही बनाए हैं, ठीक है, तो आप लोग 3 मान निकालिएगा। तो चलिए हम लोग यदि यक्स का जगह बाई का जगह 1 रखते हैं, ठीक है, बाई का जगह यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है, यदि 2 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, यदि 3 रखते हैं हम लोग तो 7 हो जाएगा, समझे बात को। चलिए जी अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग को बोल रहा है यक्स और बाई, तो बताइएगा यक्स और बाई एच वाले पढ़े हैं आप लोग कि नहीं पढ़े, तो हम लोग इसे बोलते हैं यक्स, इधर बोलते हैं यक्स डैश, ठीक है, इधर बोलते हैं बाई, इधर बोलते हैं बाई डैश। चलिए जी तो इधर क्या होता है, ये साइड क्या होता है, तो बोलिएगा प्लस में होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर करिएगा माइनस में होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, उसके बाद आप लोग को आगे नहीं जाना है, सॉरी आगे 8 तक जाना है, ठीक है, -8 यक्स डैश इधर भी कर दीजिए, यक्स इधर 8, ठीक है। चलिए इधर ऊपर जाते तो प्लस होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, बात को समझे। चलिए जी अब हम लोग कुछ नहीं दिमाग लगाते, अब चुपचाप मिलाना है हम लोग को, क्या करना है जी, तो मिलाना है हम लोग को। चलिए पहला समीकरण को यक्स का मान 2 लेना है, बाई का मान 8 लेना है, यक्स का मान इधर है यक्स, बाई का मान क्या है, यहाँ है, तो आप लोग को यक्स का मान, यक्स का मान 2 है और बाई का मान 8 है, बात को समझे, तो यहां पर मिला भी सकते हैं आप लोग डॉट से। चलिए यदि मिलाना चाहते तब, उसके बाद है यक्स का मान 3 है, बाई का मान 7 है, यक्स का मान 3 है, बाई का मान 7 है। चलिए जी यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, उसके बाद यक्स का मान 7 है, बाई का मान 3 है,
यक्ष का मान 7 है और बाई का मान कितना है 3 है। यक्ष का मान 3 है, यक्ष का मान कितना है, यक्ष का मान एक मिनट आप लोग को देखिए तो यक्ष का मान कितना है 2 लेना है तो यक्ष का मान 2 ले लिया, बाई का मान मिलाना 8 पे मिला दिए, उसके बाद यक्ष का मान 3 लेना, यक्ष का मान 3 लेना, बाई का मान 7 लेना, बाई का मान 7 लिया, उसके बाद यक्ष का मान कितना है, यक्ष का मान 5 लेना है, बाई का मान 5 लेना है, यक्ष का मान 5 लेना है और बाई का मान भी 5 लेना है। अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को जो यहाँ पर मूल बिंदु है यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, क्या करना है ये तो मिलान करना है, स्केल रखिएगा आप लोग और टान दीजिएगा। चलिए जी यहाँ तक हो गया आप लोग को, और आगे आप लोग टान दीजिए। चलिए जी आपका ये समीकरण का और लिख दीजिएगा आप लोग को क्या था, यक्ष प्लस बाई बराबर 10 था, यक्ष प्लस बाई बराबर 10 था, ये आप लोग को फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। चलिए जी सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं, यक्ष का मान 5 है, बाई का मान 1 है, यक्ष का मान क्या है, मार्कर चेंज करते हैं, यक्ष का मान आप लोग को 5 है, ठीक है, यक्ष का मान 5 है और बाई का मान क्या है तो 1 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आप लोग डैश कर दीजिए, यहाँ पे हुआ, ठीक है। चलिए जी उसके बाद यक्ष का मान 6 है, बाई का मान 2 है, यक्ष का मान 6 है और बाई का मान क्या है तो बाई का मान 2 है यहाँ पे। चलिए जी आप लोग को ये ग्राफ हम बनाना है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं आप लोग को, यक्ष का मान 7 है, यक्ष का मान 7 है और बाई का मान 3 है, बाई का मान 3 है यहाँ पे। चलिए जी चलिए अब मिला दीजिए, ये आपका बन गया ग्राफ, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं कितना था यक्स माइनस बाई बराबर 4 का ये ग्राफ है, ठीक है जी। चलिए तो आगे हम लोग बात करें, आप लोग को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया है, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर मिल गया है। यदि इतना बनाते हैं तो आप लोग को 5 नंबर मिल सकता है, ठीक है, 5 नंबर मिल सकता है, तो आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आप लोग को सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सेम तरीका से बनेगा, आप लोग को सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए, तो आप लोग को सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का दाम 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, तो मूल्य का पेंसिल का मूल्य और तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। चलिए तो आप लोग इसको भी यक्ष बाई मान लीजिएगा, तो आप लोग पेंसिल का दाम यक्ष मान लीजिएगा और कलम का दाम 5 से 7 मान, सॉरी पेंसिल का यक्ष मान लीजिएगा और कलम का मान लीजिएगा बाई, तो क्या हो जाएगा समीकरण दूसरा का 5x+7y बराबर कितना है तो 50 है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को हो जाएगा 7x+5y बराबर कितना है 46 है, तो इसको आप लोग हल करके इसी तरह से ग्राफीय विधि आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चले आप लोग, हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, आप लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए जी तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 2 आपको बोल रहा है कि अनुपातो A1Y A2 V1Y V2 और C1Y C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या समांतर करती है या संपाती करती है बताइएगा। यदि आप लोग देखे होंगे कॉन्सेप्ट वीडियो तो ये सभी हम लोग करा चुके थे कि कौन होता है प्रतिच्छेद, कौन होता है समांतर और कौन होता है संपाती रेखाएं। तो चलिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है A1Y A2 V1Y V2 और C1Y C2 की तुलना ज्ञात कीजिए, तो करते हम लोग, ठीक है। चलिए तो A1 पहले लिखिए कौन होगा, A1 बताइए, A2 बताइए और A3 बताइएगा। चलिए जी बताइए तो A1 बताइए, B1 बताइए, A1 बताइए, B1 बनाइए बताइए और C3 बताइए, A1 V1 C1, ठीक है जी। चलिए बताइए तो देखिए आप लोग का ये समीकरण का खेल करना, ये A1 है, B1 है, C1 है, मतलब कि इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, इक्वेशन 2। चलिए जी तो हम लोग इक्वेशन 1 में जाते हैं, तो बताइएगा A1 कौन है, तो A1 कौन है बताइएगा आप लोग, तो बोलिएगा A1 जो होता है सबसे शुरू वाला होता है, ठीक है, ये होता है A1, तो A1 हम लोग को क्या है, तो A1 आप लोग बोलिएगा 5 है,
ठीक है। चलिए जी अगला बात करते हैं हम लोग। अगला है V1, हम लोग को खोजना है तो V1 इसके बाद वाला एक के बाद होता है B, तो कितना है तो -4 होगा, कितना होगा -4 होगा, ठीक है। चलिए बताइए जी C1 आप लोगों को कितना है, तो C1 आप लोगों को कितना है तो बोलिएगा 8 है, ठीक है। C1 आपका कितना है तो 8 है। चलिए जी आगे बात करते हैं, उसके बाद आप खोजते हैं A2 V2 और C2, A2 B2 C2। तो बताइए A2 आप लोगों को कितना है, तो A2 आप लोग बोलिएगा 7 है, तो आप लोग लिख सकते हैं 7, ठीक है। चलिए B2 कितना है, तो B2 आपका 6 है, तो आप लोग 6 लिखिएगा। उसके बाद C2 कितना है, तो आप लोग बोलिएगा -9 है, तो C2 आपका कितना हो गया -9 हो गया, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग तुलना करना है, ठीक है, तुलना करके ज्ञात करना है। तो बताइएगा A1 / A2 होता है, A1 / A2 बराबर B1 / B2, उसके बाद और C1 / C2, यही बोल रहा है आप लोग को प्रूव करने के लिए और तुलना करने के लिए यही सब बोल रहा है, ठीक है जी। चलिए तो A1 हम लोग को कितना है, तो बोलिएगा A1 जो है आप लोग को 5 है, ठीक है, हम लोग को A1 कितना है तो 5 है, A2 कितना है तो 7 है, तो 5/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलिएगा, तो बोलिएगा जी। चलिए जी बराबर करते हैं, उसके बाद बात करते हैं ये कितना है B1 / B2, तो B1 हम लोग को -4 है, B1 - 4 है, B2 हम लोग को कितना है 6 है, तो B2 आप लोग को 6 लिखना है। चलिए बराबर C1 / C2 है, तो यानी कि C1 / C2 आप लोग कितना है 8 / -9। चलिए बताइए बराबर है तीनों तीनों, तो बोलिएगा जी नहीं, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो बताइए कौन सा होगा, बताइए तो आप लोग A1 / A2 B1 / B2 C1 / C2, तो क्या होता है बताइएगा आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिच्छेद बोलते हैं, ठीक है जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी, यानी कि ये वाला आप लोग का आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी। इतना तक आप लोग को लिख देना है, उसके बाद आप लोग को लिखना है प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी। चलिए जी आपका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया होगा। चलिए जी दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है कि A1 / A2 निकालना है, तो A1 आप लोग को निकालने के लिए आ गया होगा, A2 भी निकाल दीजिएगा, B1 निकाल दीजिएगा, B2 भी निकाल सकते हैं, C1 निकाल सकते हैं, तो C2 भी निकाल सकते हैं। तो चलिएगा बताइए तो आप लोग को कितना कितना आया बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए A1 जो है आप लोग का, A1 आप सबसे पहले हम लोग A1 पर चलते हैं, तो A1 आप लोग को कितना है तो 9 है, A1 आपका कितना है तो 9 है, ठीक है। उसके बाद कितना है A1 कितना है तो 9 है, उसके बाद B1 कितना है तो B1 आप लोग का 3 है, C1 आप लोगों कितना है तो 12 है, यानी कि 12 है, ठीक है। चलिए उसके बाद A2 में चलते हैं, तो A2 आपका कितना है तो 18 है, B2 आप लोगों कितना है, B2 आपका 6 है, ठीक है। उसके बाद C2 आप लोगों कितना है, तो C2 आप लोग का 24 है, तो आप लोग लिख सकते हैं A1 / A2 B1 / B2 और C1 / C2, तो आप लोग को A1 / A2 कितना है 9/18, ठीक है। उसके बाद आप लोग को कितना है बराबर 3/6 बराबर 12/24। देखिए ये तीनों तीनों बराबर है, यहाँ भी एक 1/2 हो सकता है, यहाँ भी 1/2 हो सकता है, यहाँ भी 1/2 हो सकता है, बताइएगा ये कौन सा होगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, बताइएगा तीनों तीनों यदि बराबर रहता है तो क्या होता है बताइए, तो आप लोग बोलिएगा बताइए क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोग को सबसे पहले क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा समपाती होता है, क्या होता है तो समपाती होता है, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग समपाती रेखाएं, समपाती समपाती होती है, ठीक है समपाती। चलिए जी आगे बात करते हैं आप लोग को, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताइएगा, तो आप लोग बोलिएगा कि जी कर सकते हैं लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी तो बताइए A1 आप लोगों को कितना है, A1 निकालना है, B1 निकालना है, C1 निकालना है, A2 निकालना है, B2 निकालना है, C2 निकालना है, बात को समझ रहे हैं, A1 निकालना है, B1 निकालना है, C1 निकालना है, उसके बाद A2 निकालना है, B2 निकालना है और C2 निकालना है, बात को समझे। चलिए जी तो बात करते हैं हम लोग, अब बात हम लोग को बन गया है, तो बताइए A1 आप लोग को कितना है, तो पहला समीकरण में जाना है, तो A1 आप लोग को कितना है, तो A1 आप लोग का 6 है, चलिए जी लिख दिए, B1 आप लोगों को कितना है तो -3 है, -3 लिख दिए।
उसके बाद सी वन कितना है, तो सी वन आपका 10 है, आप लोग का 10 लिखा गया, बात को समझे। चलिए जी उसके बाद चलते हम लोग, ए टू आप लोगों को कितना है, तो ए टू आपका 2 है। उसके बाद वी टू आप लोगों को कुछ नहीं, तो मान लेते हैं 1 है, -1 है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, सी टू आपका कितना है, तो +9 है, +9 है, यानी कि आपका 9 है। चलिए आप बता सकते हैं कि नहीं कि कौन सा होगा, बताइए। तो आप लोग लिख सकते हैं यही वाला फार्मूला, इतना तक करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइएगा, ये आप लोग होमवर्क लिखिए, ठीक है जी। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, तो तीसरा नंबर आप लोग होमवर्क करिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलिए, अब हम बताइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफी इजी तरीका से बन सकता है, जो कि हम लोग को काफी इजी तरीका इससे को समझाने के लिए भी आराम पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी तो हम बोर्ड को साफ करते हैं, यदि अभी तक आप लोग नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए जल्दी से, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते तो स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए जी आगे आप लोग को क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोल रहा है कि यहाँ पे सेम है अनुपात A1YA2 और B1YB2 और C1YC2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा यहाँ पर जो है संगत है या असंगत होगा सिर्फ, ठीक है, संगत है या असंगत है। तो संगत या असंगत भी समझना काफी जरूरी है, जो कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए जी संगत है और असंगत है, संगत है और असंगत है, बताइएगा संगत है यह असंगत है, यह असंगत है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं संगत कौन होता है, तो आप लोग बोलिएगा A1YA2 बराबर B1YB2 नहीं होता है, A1YA2 बराबर B1YB2 यदि नहीं रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संगत, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो संगत बोलते हैं, ठीक है। और यही बात यदि A1YA2 बराबर B1YB2 बराबर ये रहता तो आप लोग बोलिएगा असंगत है, कितना है, तो असंगत है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं, संगत और असंगत को समझने में भी किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए जी आप लोग को क्वेश्चन लिखना है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा ही है, ठीक है। यदि आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन बनाए होंगे, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग से चौथा नंबर भी क्वेश्चन, यदि 3 नंबर क्वेश्चन समझ जाते तो चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग से खुद से हो सकता है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन है थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर 5 और सेकेंड समीकरण है 2x-3y बराबर 7 बराबर 7। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पे हम आप लोग को लिख चलते हैं 2x-3y बराबर 8, ठीक है। उसके बाद है 4x-6y बराबर 9। तीसरा क्वेश्चन है आप लोग का 5x-3y बराबर 11। उसके बाद आप लोग को -10x-6y बराबर -22। चलिए जी देखते हैं हम लोग, आप लोग को 3 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसमें एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। चलिए जी संगत और असंगत वाला समझ गए, तो यहाँ भी करना है A1YA2 B1YB2 C1YC2, ठीक है, C1YC2। जब तक हम आप लोग के लिए मार्कर इंक डाल रहे हैं तब तक आप लोग चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आप लोग का एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि हो सके तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, ठीक है।
तो चलिए आगे हम बात करते हैं आप लोग के लिए। आपका अगला बात करते हैं किस तरह से होगा, a1 बाई a2, b1 बाई b2 आप लोग को निकालने के लिए आ भी गया होगा। चलिए आया कि नहीं आया बोलिए। तो a1 बाई a2 निकालने के लिए आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं हम लोग इसका। बताइएगा a1 बाई a2 क्या है। तो इसका a1 ये वाला होता है, तो a1 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद a2 कितना हो गया, तो 2 हो गया, 3/2 हो गया। चलिए जी आगे बात करते हैं। आप लोग का 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, -3 b1/b2। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा c1/c2, यानी कि 5/7। क्या बताइए बराबर है, बताइए तो आप लोग बराबर है, तो बोलिएगा जी नहीं बराबर है, ठीक है, बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा ये है संगत, ठीक है जी, संगत है। चलिए जी आगे बात करते हैं आपका ये क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2/4। उसके बाद है -3/-6। उसके बाद 8/9। बताइएगा 8/9 क्या होगा। ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं, और ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। असंगत का कैसा होता है, तो बोलिएगा a1y a2 b1y b2 नॉट एक्सकेल टू c1y c2, ठीक है। ये होता है असंगत का, और इस संगत का होता है a1y a2 नॉट एक्सकेल टू b1y b2। चलिए जी आप लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है हम लोग को a1y a2 निकालना है, तो 5/10 -10। उसके बाद निकालना है -3/-3। उसके बाद 6, उसके बाद है 11, उसके बाद है -12। चलिए जी बात करते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा 1/2 -1/2, यहाँ पर हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2 यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2। बताइएगा यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो आप लोग को ये भी हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। जैसे आप लोग को हो जाएगा 1/2, तो आप लोग को किस तरह से बनेगा, तो आप लोग लिख सकते हैं a1 by a2 बराबर c1 by c2 नॉट एक्सकेल टू b1 by v2। चलिए जी आपका ये कहानी बना है। चलिए तो आगे बात करते हैं, आगे आप लोग को ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है आप लोग को होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करिएगा, जो कि आप लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए जी तो चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। चलिए बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, यदि वो संगत होता है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। चलिए जी तो ग्राफीय विधि से हम लोग हल करते हैं। आपका बहुत अब कम क्वेश्चन बना है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन भी पहुंच गए हैं, उसके बाद आप लोग को चलना है। ये तीसरा नंबर ही क्वेश्चन था, ठीक है, ये आप लोग को तीसरा नंबर ही क्वेश्चन था। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चौथा नंबर बोल रहा है आप लोग को ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है, ठीक है, यदि संगत रहता है तब। चलिए जी तो संगत रहता है तो हम लोग निकालते हैं संगत किस तरह का मेथड रहता है। तो संगत हम तो बना चुके हैं आप लोग के लिए कि संगत किस तरह से रहता है, और असंगत आप लोग को किस तरह से रहता है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं आप लोग को चार नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन आप लोग को बुक में लिख लीजिएगा, और आपका क्वेश्चन सिर्फ हम लिखते हैं यहाँ पे, आपका क्वेश्चन है x + y बराबर है क्या, 5 है, x + y बराबर 5 है। उसके बाद है 2x + 2y बराबर क्या होगा, बराबर है आप लोग को 10 है, ठीक है, बराबर 10 है। तो हम लोग को देखिए a1y a2 निकालना है, a1y a2 b1y b2 और c1y c2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो a1y a2 हो जाएगा 1/2। उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा 1/2 और c1y c2 हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा,
सी वन वाई सी टू भी हो जाएगा आप लोग को वन वाई टू। तो बताइएगा ये संगत होगा या असंगत होगा, बताइए तो ये संगत होगा या असंगत होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अभी तो तीन नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे संगत होगा कि असंगत होगा, बताइए तो क्या होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि ये तो होगा संगत होगा, ठीक है, क्या चीज होगा जी, तो संगत होगा, तो संगत होगा तो बताइएगा संगत है, ठीक है जी, ये क्या है तो संगत है, तो संगत है तो आप लोग को निकालना पड़ेगा ग्राफीय विधि से, ठीक है, आप लोग को क्या निकालना है, संगत होगा या परिमित रूप में अनेक हल होंगे। चलिए जी, तो आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को निकालना है ग्राफीय विधि से। चलिए तो ग्राफीय विधि हम लोग हल करते हैं, ये वाला बात आप लोग तो इतना ही करना था, जो कि पता करना है सिर्फ कि संगत होगा या असंगत होगा, यदि संगत होता है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। चलिए जी, आपका आप ग्राफीय विधि से यहाँ पे लिखना है हल, हल ग्राफीय मेथड, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, ठीक है। तो आप लोग निकालिए समीकरण वन को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में, ठीक है। तो आप लोग को बोल रहा है यक्स प्लस वाई बराबर फाइव है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं यक्स फाइव बराबर फाइव माइनस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो बॉर्डर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स बराबर फाइव वाई, तो आप लोग बिंदु का निकालने के लिए आता होगा, कल के वीडियो में हम बताए थे यक्स और वाई का मान निकालने के लिए, यदि आप वाई का मान रखते हैं तो यक्स का मान निकलेगा, यदि यक्स का मान निकाल रखते हैं तो वाई का मान निकलेगा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे वाई का मान रखते हैं कितना, वाई का मान वन रखते हैं, वाई का मान आप लोग को कितना रखते हैं, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, तो फाइव माइनस वन होगा तो कितना हो जाएगा, तो फोर हो जाएगा। तो यक्स का मान आप लोग को फोर हो जाएगा, यहाँ पे यदि दो रखते हैं तो यहाँ पर तीन मिलेगा। जैसे देखिए वाई फाइव माइनस टू रखेंगे तो यहाँ पर तीन ही मिलेगा, तो आप लोग को तीन रखेंगे, यहाँ पर यदि यहाँ पे हम तीन रखते हैं तो यहाँ पर कितना मिलेगा, तो दो मिलेगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे तीन रखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दो मिलेगा। तो आपको ये पहला इक्वेशन का जो भी मूल बिंदु था निकल चुका है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, हम लोग इक्वेशन टू को हल करते हैं, इक्वेशन टू, ठीक है, इक्वेशन टू में। चलिए तो आपका टू एक्स प्लस टू वाई बराबर टेन है, बराबर टेन है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं टू एक्स, एक डायरेक्ट आप लोग कॉमा भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉमा ले सकते हैं, यहाँ पे टू एक्स प्लस वाई बराबर बन जाएगा कितना, दस, ठीक है। ऐसे आप लोग को बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन यहीं पे समझते, ठीक है, जो कि पुराना मेथड से आप लोग को पता होगा, टू एक्स, टू एक्स प्लस टू वाई है, तो आप लोग लिख सकते हैं टेन माइनस टू वाई, ठीक है, यहाँ पर एक्स बराबर लिख सकते हैं आप लोग टेन माइनस टू वाई बराबर टू, ठीक है। चलिए जी फिर से निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है आप लोग को, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए जी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, चलिए यदि हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, यदि हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे वन रखते हैं, ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ टेन माइनस दो गुने वन वाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दस, दस माइनस दो वाई टू, यानी कि आठ वाई टू, यानी कि आपका बन जाएगा फोर। यदि कि हम क्या वाई का मान एक रखते हैं तो आप लोग का मिलेगा एक्स का मान फोर, ठीक है, एक्स का मान फोर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे रखते हैं हम लोग अगला, दस माइनस यदि हम रखते हैं दो वाई का जगह, दो वाई का जगह दो रखते हैं तो आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा वाई टू, तो यहाँ पर हो जाएगा दस, दस में से चार गया तो छह, छह वाई दो हो जाएगा तो आप लोग को बनेगा थ्री, ठीक है। चलिए आगे रखते हैं हम लोग, यदि यहाँ पे हम लोग रखते हैं तीन, तो रखते हैं दस माइनस दो गुने तीन, दस माइनस दो गुने तीन उसके बाद वटा दो, तो आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा दस में से छह गया तो बचेगा चार, चार वाई दो बराबर वटा दो, यानी कि आपका बचेगा, यदि आप रखिएगा वाई का जगह तीन रखिएगा, कितना रखिएगा, तीन रखिएगा, तो आप लोग को यक्ष का मान मिलेगा दो। चलिए जी तो अब इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इतना बात यदि समझ में आ रहा होगा तो अब हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को चलिए इधर बना देते हैं हम लोग, ठीक है। इतना तक आप लोग को उतारना है हर हाल में, ये वाला क्वेश्चन यदि आप लोग बनाते हैं तो आप लोग को पांच नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए जी यहाँ पे ज्यादा दूर का ग्राफ नहीं बनाना है, जो कितना माही हो जाएगा, यहाँ पर यक्स रहता है, इधर यक्स डैश रहता है, ठीक है, इधर वाई रहता है, यहाँ पे वाई डैश रहता है,
चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। चलिए जी तो अब हम खोजते हैं आप लोग को सबसे पहला में कि आपका यक्स का मान चार है और वाई का मान एक लेना है, ठीक है। यक्स का मान चार लेना है और वाई का मान एक लेना है, यानी कि आपका यहाँ पे बन जाएगा यक्स माइन यहाँ पे। चलिए जी आगे बात करते हैं। यदि आप ज्यादा अच्छा काम करना चाहते हो तो यहाँ पे फोर वन लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। यक्स का मान तीन लेना है, बाई का मान दो लेना है। यक्स का मान तीन लेना है, बाई का मान दो लेना है, ठीक है। यक्स का मान दो लेना है, बाई सॉरी यक्स का मान तीन लेना है, बाई का मान दो लेना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं तीन और दो, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यदि दो और तीन लिखे तो ये यक्स है और ये बाई है, ठीक है। ये निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग को पढ़ना ये किसके बारे में बहुत अच्छा से, ठीक है। चलिए यक्स का मान दो लेना है, बाई का मान तीन लेना है। यक्स का मान दो लेना है और बाई का मान तीन लेना है। चलिए जी अब मिला दीजिए, आप लोग मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ही रेखा पर आता है, यदि आपका ग्राफ एक ही रेखा पे आता है तब तो सही है, नहीं तो आपका ग्राफ गलत है, ठीक है। चलिए जी तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, तो बोल सकते हैं दो और तीन। चलिए जी आगे बात करते हैं। ये समीकरण वन का था तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं। आपका समीकरण पहला था वो यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई बराबर फाइव है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं। अगला समीकरण को हल करते हैं तो आपका है यक्स बराबर फोर और वाई बराबर वन है। क्या है तो यक्स बराबर फोर को ढूंढिए, यक्स बराबर फोर वाई बराबर वन, ठीक है। यहीं पे एक तो बिंदु रह जाएगा। चलिए उसके बाद बोलता है यक्स का मान थ्री लीजिए, वाई का मान टू लीजिए। यक्स का मान थ्री लीजिए, वाई का मान यक्स का मान थ्री लीजिए, वाई का मान टू लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, यक्स का मान टू लीजिए, वाई का मान थ्री रखिए। देखिए आपका एक ही बिंदु पे आया है, आपका यही आंसर हो गया, दोनों का ग्राफ सेम रेखा पे है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को ये क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत, चार नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा। देखिए तो ये वाला किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग को ये क्वेश्चन यदि इस तरह से बनाते हैं तो आप लोग को पांच नंबर का पांच नंबर कंप्लीट मिलेगा। तो बताइए चार नंबर क्वेश्चन का जितना सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन बना चुके, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है यक्स माइनस एट, यक्स माइनस एट है। उसके बाद है दूसरा समीकरण थ्री यक्स माइनस थ्री वाई, तो आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है टू यक्स प्लस वाई माइनस सिक्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, समीकरण बना देते हैं, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी चार का तीसरा नंबर क्वेश्चन, आपका चार का तीसरा क्वेश्चन है टू यक्स प्लस वाई, टू यक्स प्लस वाई माइनस सिक्स, माइनस सिक्स बराबर जीरो है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टू यक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे छह कर सकते हैं, इधर माइनस में उधर प्लस में चल जाएगा। उसके बाद हो जाएगा टू यक्स बराबर छह माइनस वाई, उसके बाद यक्स का मान निकालना है तो छह माइनस वाई बराबर टू हो जाएगा। यहाँ पे वाई का मान रखिएगा, यक्स का मान प्राप्त होगा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन में चलते हैं हम लोग, दूसरा इक्वेशन आपका बोल रहा है फोर माइनस फोर यक्स माइनस टू वाई, फोर यक्स माइनस टू वाई माइनस फोर, माइनस फोर बराबर जीरो है, तो आप लोग लिख सकते हैं फोर यक्स माइनस टू वाई बराबर प्लस प्लस फोर हो जाएगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं फोर यक्स बराबर फोर प्लस टू वाई, यक्स का मान निकालना है तो आप लोग को बन जाएगा फोर प्लस टू वाई बराबर बटा बटा कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। यदि वाई का मान निकालिएगा तो यक्स का मान आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को चार नंबर भी क्वेश्चन आप लोग से अब कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। चलिए जी तो आप लोग का पांचवा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग को क्वेश्चन चार नंबर क्वेश्चन में आप लोग को हमारा बुक में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन पर निकालते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार, क्या बोल रहा है, एक आयताकार बाघ की लंबाई जिसकी चौड़ाई चार मीटर अधिक है तो अर्ध परिमिति 36 मीटर है, तो बाघ की बीमाएं निकालें, बाघ की बीमाएं निकालना है, ठीक है। इसको भी ग्राफीय विधि से ही हल कर दीजिएगा तो भी आप लोग को आराम से आ सकता है आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, बोर्ड को साफ पहले करते हैं उसके बाद हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए जी
आगे बात करते हैं आप लोग के लिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का है, लिख देते हैं यहीं पे क्वेश्चन। चलिए जी, आपका अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है चार नंबर कि एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग की, बाग जिसकी जिसकी है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर, 4 मीटर अधिक है, कितना मीटर अधिक है, तो 4 मीटर अधिक है, ठीक है, है कि अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति 36 है, अर्ध परिमिति कितना है 36 मीटर है, 36 मीटर है, तो बाघ की बीमाएं निकालें, बाघ की बीमाएं निकालें, बाघ की बीमाएं निकालें, बीमाएं मतलब होता है विकर निकालें, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि ये दोनों, ये बाघ है, ठीक है, ये बाघ है आपका, इसका ये बोला बोल रहा है, ये होता है विकर मतलब कि बीमाएं, इसका ये दोनों निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए जी बात करते हैं, आप लोग को सबसे पहले मानना है कि बाघ की लंबाई, बाघ की लंबाई और चौड़ाई हम लोग को पता करना है, तो क्या होगा बताइए, तो आप लोग लिख सकते हैं कि माना कि, क्या लिख सकते हैं, माना कि बाघ की लंबाई कितना है, तो लंबाई x है, यहाँ पे आप लोग लिखिए पहले, माना कि, माना कि बाघ की, माना कि बाघ की लंबाई क्या है, कि लंबाई x है और चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई आपका ये बन जाएगा, चौड़ाई बाई बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले क्या बनेगा, यक्स प्लस बाई, क्या बन जाएगा जी, तो यक्स प्लस बाई, बाघ का अर्ध परिमिति है, तो यक्स प्लस बाई सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो यक्स प्लस बाई, तो यक्स प्लस बाई बराबर कितना है, तो यक्स प्लस बाई बराबर आप लोग का 36, यक्स प्लस बाई बराबर आप लोग का 36 समीकरण बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बाघ की लंबाई और चौड़ाई जो है अर्ध परिमिति मतलब कि आधा में है 36 मीटर, ठीक है, 36 मीटर बाघ की बीमाएं, तो यक्स प्लस बाई बराबर 36 हो जाएगा, बाई बराबर 36 हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को बन जाएगा क्या, कौन सा समीकरण, तो आप लोग को बोल रहा है कि यहाँ पर समझिए, अगला इक्वेशन बनाना है जिसकी लंबाई, लंबाई हम लोग को क्या माने है, यक्स माने, लंबाई जो कि क्या माने है, यक्स माने, और चौड़ाई बोल रहा है 4 मीटर, लंबाई से चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, यही क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है, तो आप लोग लिखिएगा बाई बराबर यक्स प्लस 4, बाई बराबर यक्स प्लस 4, यानी कि चौड़ाई से बोल रहा है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक कौन है, तो लंबाई है, ठीक है। चलिए जी, तो आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप लोग को बन गया है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको हल करते हैं, ये तो आप लोग काफी इजी से आप हल कर सकते हैं, चलिए तो आपका इजी से हल करते हैं, ठीक है। चलिए जी, आपका यक्स प्लस बाई बराबर 36 निकालते, पहले क्वेश्चन 1 को हल करते हैं, यक्स प्लस बाई बराबर 36 है, तो आप लोग लिख सकते हैं, यदि यक्स का मान निकालते हैं हम लोग, तो 36 माइनस बाई करते हैं, 36 माइनस बाई करते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु निकालिए यक्स बाई का, चलिए जी यक्स बाई का यदि हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यदि यहाँ पे हम लोग रखते हैं कितना, ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, ठीक है, ये बड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा, तो बताइए यदि हम यहाँ पे रखते हैं कितना, 8 रखते हैं, बाई का जगह 8 रखते हैं, बाई के जगह 10 रखिए आप लोग, बाई के जगह 10 रखिए, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 26, यक्स का मान आ जाएगा आपका 26। उसके बाद यदि यहाँ पे हम 20 रखते हैं, यहाँ पे आप लोग के लिए 20 रखते हैं, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आप लोग को 16, ठीक है। यदि यहाँ पे 30 रखते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 6 आपका। चलिए जी आगे बात करते हैं, आपका अगला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपका बाई बराबर यक्स प्लस 4, तो आपका बाई का मान रखिए, यक्स और बाई, देखिए ये तो काफी इजी है। चलिए आपका यदि हम यक्स का मान 2 रखते हैं, तो यहाँ पे बाई का मान बन जाएगा 6, ठीक है। यदि हम यहाँ पे 3 रखते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 7,
ठीक है। यदि हम यहाँ पे आठ रख सॉरी यहाँ पे दो रखते हैं तो यहाँ पर मिल जाए तीन, चार चार रखना है तो यहाँ पे मिल जाएगा आठ। समझे बात को। अब बनाना है ग्राफ, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। बड़ा सा इसका ग्राफ बनाइए ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हम लिख देते हैं और आप लोग अपना कॉपी में ये वाला बात सब लिख लीजिएगा, तो आप लोग को बन जाएगा यक्ष और बाई, यक्ष और बाई। तो 26, 10, 16, 20, 6, 30, 6, 30, ठीक है। चलिए ये समीकरण किसका था, तो आप लोग बोलिएगा यक्ष प्लस बाई बराबर 36 का है। चलिए उसके बाद आप लोग को बोर्ड को साफ करते हैं, ठीक है। चलिए जी यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे, अब क्योंकि हम लोग को ग्राफ बनाना है। चलिए जब तक हम लोग ग्राफ को बनाते हैं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप लोग को ये ग्राफ समझने में काफी इजी हो, ठीक है। चलिए जी आपका समझिए ये चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है, तो आप लोग बना सकते हैं। इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का आप लोग का अंतिम क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन यदि आप संपाति और प्रतिच्छेदी पहचानने के लिए भी सीख गए होंगे तो यही सब क्वेश्चन है आप लोग से, तो आप लोग से ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलिए जी तो आपका ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं हल। आपका यक्ष और बाई का मान निकालिए, तो यहाँ पे यक्ष लेते हैं और यहाँ पे ये यक्ष है, यक्ष डैश, इधर बाई है, इधर बाई डैश, ठीक है। चलिए आपको सबसे पहले हम लोग लेते हैं कितना से लेना है, तो 2, 3, 4, 5 से लेना है। चलिए हटाइए, यहाँ पर 5 लेते हैं, ठीक है, यहां से लेते हैं 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। देखिए यहाँ पे एक्चुअल नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए मूल बिंदु हम लोग यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 लेते तो आप लोग को मिल सकता था, ठीक है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे इस तरह से नहीं मिलेगा, सोचिएगा एक बार में। तो 5, 10, 15, 20, -20, -25, -30, -35। चलिए -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40। चलिए जी -30 तक ही है, ठीक है। चलिए जी यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। चलिए जी सबसे पहले हम लोग यक्ष प्लस बाई वाला 36 खोजते हैं, तो यक्ष का मान लेना है 26, तो 26 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा 25 के बगल में 26, उसके बाद 10, बाई का जगह 10 जाना है, मतलब कि यहाँ पे आना है, ठीक है, यहाँ पे आना है आपको। चलिए जी आगे बात करते हैं आपके लिए, आपका है यक्ष का मान 16 लेना है, बाई का मान 20 लेना है, तो 15 और 1, 16 यहाँ मिलेगा और बाई का मान लेना है कितना, तो बाई का मान 20 लेना है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, आपका यक्ष का मान 6 लेना है और बाई का मान 30 लेना है, यानी कि यहाँ पे रहेगा, यक्ष का मान 6 रहेगा और बाई का मान 30 है, यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे। चलिए जी मिलाइए, तो आप लोग पहले देखिए स्केल से आप लोग करिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग को कुछ नहीं काम करना है, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखिएगा 26, 26, 10, 26 और 10। ये कहाँ का बना है, दूसरा कहाँ पे बना है, ये 26, 10 हो गया है, दूसरा आपका यहाँ पे था, दूसरा आपका कितना है, दूसरा आपका है 16 है, उसके बाद है 16 और 20, यानी कि 16 और 20 यहाँ पे 16 और 20। चलिए आगे बात करते हैं, आपका है अगला 6 और 30, आपका है 6 और 30, यहां से जाएगा ये रेखा, ठीक है, यहां पे से जाएगा 6 और 30, 6 और 30। चलिए जी अगला पर चलते हैं हम लोग, यक्ष का मान है आपका 2 और बाई का मान है 6, यक्ष का मान है यहाँ पे मिलेगा 1, 2 यहाँ पे मिलेगा 2 और बाई का मान है 6, 6 कहाँ पे मिलेगा, 6 आपका मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग को एक ठो यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए जी उसके बाद आप लोगों को क्या हो जाएगा, उसके बाद है बाई यक्ष का मान 3 लेना है, बाई का मान 7 लेना है, यक्ष का मान 3 लेना है, बाई का मान यहाँ से 7 हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं, यक्ष का मान 4 लेना है, बाई का मान 8 लेना है,
यक्ष का मान 4 लेना है, बाई का मान आपका कितना है तो 8 है। चलिए तो ये दोनों को मिला देना है, तीनों का मिल गया। तो बताइएगा आप लोग कौन सा बिंदु पर मिला है, बताइए। तो आप लोग इतना तक कर सकते हैं तो आप बोलिएगा 16 और 20 पे मिलेगा, ठीक है, 16 और 20 पे मिलेगा, मतलब कि इस तरह से जाएगा 16 और 20 होगा। यदि आप स्केल रखिएगा तो 16 और 20 से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16 और 20, यानी कि यक्ष है आपका 16 और बाई है आपका 20, ठीक है। चलिए जी, तो आपका इतना सारा क्वेश्चन जितना भी था 3.1 में सभी के सभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन और छठा नंबर क्वेश्चन, सॉरी पांचवा नंबर क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, छठा नंबर क्वेश्चन और सातवां नंबर क्वेश्चन आप लोग से हो सकता है। ग्राफ बोल रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक रेखाएं समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 है, दी गई चारों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण का ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेद रेखाएं हो, समानांतर रेखाएं हो या संपाती रेखाएं, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग से हो सकता है। अगला बोल रहा है कि x - y + 1 = 0, इसमें त्रिभुज का आकार का बनाना है, ठीक है, मतलब ग्राफ बना देना है, यानी कि त्रिभुज के आकार पे कट जाएगा तो ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए जी, हम लोग को ये 3.1 आप लोग को कंप्लीट हो चुका है। 3.2 का जितना सारा क्वेश्चन है सभी के सभी हम लोग धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आप लोग को हम 3.1 जब बता रहे थे उसमें ही बता दिए थे हम लोग की क्या क्या पढ़ना है। ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है सभी के सभी हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है। और ये नहीं आज आप लोग को सुनने के लिए मिल रहा होगा कोई नया टॉपिक की प्रतिस्थापन क्या होता है, ठीक है। तो यदि आप लोग अभी तक 3.1 नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा, उसके बाद आप लोग 3.2 को देखिएगा। तो चलिए, यदि आप लोग हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे होंगे तो तब तो आप लोग को पता होगा कि कलम कॉपी निकाल कर रखिएगा, ठीक है। यदि हमारे स्टूडेंट होंगे तो कलम कॉपी साथ में रखिए और आप लोग लिखते चलिए और ये मैथ जो है अपना जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कलम कॉपी निकाल कर सिर्फ रखिए, हमारा स्टूडेंट जितना भी होता है वो शांत नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जी, हम लोग हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन में बात करते हैं। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? आपको प्रतिस्थापन मतलब नहीं लग रहा है कि कहीं से मान निकाल के और कहीं पे स्थापना कर देना, मतलब कहीं पे स्थापित कर देना, क्या बोलिएगा, ऐसा लग रहा है कि नहीं तो बोलिएगा जी। जैसे कि बोलिएगा प्रतिस्थापन, मतलब कि इसका लग रहा है कि किसी का मान निकाल के किसी पे स्थापित कर देना, प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है जी। चलिए जी, आगे बात करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? तो 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि x + y = 14 और x - y = 4 है। तो बताइएगा, मतलब कि यहाँ पे आप लोग को सिंपल कहना है कि दो संख्या है, कितना संख्या, तो दो संख्या का योग कितना है, तो 14 है, ठीक है। दो संख्या का योग 14 है और उसी संख्या का अंतर कितना है, तो 4 है, ठीक है। तो दोनों संख्या बताएं। ये आपका क्वेश्चन, इतना जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये था, ठीक है जी। यदि आप लोग को हिंदी में बात किया जाए, मतलब चार और अचार छोड़ के, तो आप लोग का क्वेश्चन इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो कि आप लोग को थ्री में क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग को समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी, तो आगे बात करते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन है कि x + y क्या है जी, तो x + y = 14 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, x + y = 14 है आपका, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण वन और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2, ठीक है जी। क्या मानते हैं, समीकरण 1 और 2। चलिए जी, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा।
क्योंकि इस तरह का हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। तो चलिए अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग सबसे पहले हल करते हैं, लिखते हैं समीकरण समीकरण उसके बाद वन समीकरण टू को, समीकरण टू को हल करने पर, हल करने हल करने पर। अच्छा बात कर रहे हैं हम लोग कि जैसे यक्स प्लस वाई जो है, यक्स प्लस वाई बराबर 14, यक्स माइनस वाई बराबर 4 जो है, क्या हम लिखे हैं समीकरण दो को हल करने पे? तो आप लोग को मन में आ रहा होगा कि क्या हम नहीं लिख सकते हैं समीकरण वन को हल करने पर, तो वो क्यों नहीं लिख सकते? आप जरूर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग समीकरण वन लिख दीजिए, आपको समीकरण वन लिखिएगा तो समीकरण वन को हल करना पड़ेगा, ठीक है, और यदि समीकरण दो लिखे तो समीकरण दो को हल करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग, यक्स प्लस वाई बराबर हम लोग को यक्स माइनस वाई बराबर कितना है? तो 4 है, ठीक है जी, यक्स माइनस वाई बराबर 4 है। तो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं यक्स बराबर 4 प्लस वाई, बोलिएगा यहां तक कोई दिक्कत है? यदि हम यक्स माइनस वाई बराबर 4 था तो यक्स बराबर 4 प्लस वाई लिखे तो किसी को कोई डाउट है? तो बोलिए, तो बोलिएगा किसी को कोई डाउट नहीं है, तो बस आप कोई दिक्कत भी नहीं होगा, तो आप लोग का आंसर भी आने वाला है, ठीक है। चलिए तो यक्स प्लस वाई बराबर 4 है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? चलिए तो आगे बात करते हैं, आप लोग को लिखना है, क्या लिखना है? अब लिखना है कि समीकरण समीकरण वन में यक्स का मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो आपका समीकरण वन क्या है बोलिए, तो आपका समीकरण कितना है? तो आप लोग वन कितना है तो बोलिएगा यक्स प्लस वाई बराबर जो है 14, यक्स प्लस वाई बराबर 14 है। तो बोलिएगा जी यहां तक तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि अच्छा यक्स के जगह तो हम लोग को कितना आया है, तो यक्स का जगह 4 प्लस वाई है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं 4 प्लस वाई? बोलिएगा जी क्यों नहीं लिख सकते, हम तो लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, वाई है तो ये वाई रह जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? आप लोग कलम कॉपी निकाल कर साथ में लिखते चलिएगा और ये मैं जो है अपना जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक है। शांत बैठा नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम लोग को 2025 में अच्छा खासा नंबर लाना है, ठीक है। तो यक्स 4 प्लस वाई बराबर 14, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो अच्छा यहां तक हम लोग करेंगे 4 प्लस, बताइएगा वाई प्लस वाई कितना होगा? वाई प्लस वाई क्या होगा? अच्छा इधर देखते हैं, वाई प्लस वाई होता है वाई, टू वाई, वाई प्लस वाई होता है 2y, उसके बाद वाई गुने वाई होगा तो क्या होगा? तो वाई गुने वाई होगा वाई स्क्वायर होगा, ठीक है जी, वाई स्क्वायर होगा। तो बताइएगा यहाँ पे 2y होगा कि वाई स्क्वायर होगा, बताइए आप ही लोग बताइएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बताइए क्या होगा? तो आप लोग बोलिएगा कि 2y होगा, 2y होगा, इतना हम लोग जानते हैं, ठीक है। वाई बर वाई प्लस वाई 2y होगा, ठीक है, और बराबर कितना होगा? तो 14 होगा। अब आगे आप लोग को नीचे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इतना तक आप लोग को हर हाल में दिख रहा होगा, एकदम क्लीन दिख रहा है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, वाई प्लस 4 प्लस 2y, 4 प्लस 2y ये वाला हम लिखे, उसके बाद 14, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम यही वाला यहाँ पे लिखे, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात को समझ रहे हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग, 4 प्लस 2y है तो हम लोग 2y बराबर 14 माइनस 4 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिएगा कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे ये कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, प्लस को बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बात को समझे। चलिए जी आगे बात करते हैं, अब 2y बराबर 2y बराबर यदि 10 लिखते हैं तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि 14 के अंतर करना है 4 में तो क्या होगा? तो होगा 10 होगा, ठीक है। अच्छा अब y बराबर यदि हम लोग 5 लिख दिए तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलिएगा जी यहां तक हम लोग को समझ में नहीं आया, y बराबर आप कैसे लिख दिए 5 जो कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए जी तो आगे बात करते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं, नहीं आ रहा है समझ में तो, ठीक है। चलिए जी अब y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10/2, कैसे लिखे? तो ये गुना में है तो इधर हो गया भागा में, क्या हो गया? तो भाग में होगा। चलिए जी तो y बराबर क्या होगा? तो y बराबर आप लोग को 5 होगा, क्या होगा जी? तो y बराबर 5 होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं, अब y बराबर 5 आ गया तो हम लोग को तो एक संख्या पता चल गया, क्या चल गया? एक संख्या हम लोग को पता चल गया है, ठीक है, यानी कि y के जगह 5 रखिए, y के जगह 5 रखिए। अच्छा बात करते हैं कि अब हमें x का मान कैसे पता करना होगा, x का मान हमें किस तरह से पता होगा? तो चलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है? ज्यादा टेंशन नहीं लेना है,
सिर्फ आप लोग मोबाइल पे ध्यान रखिए, उसके बाद कलम कॉपी लिखते चलिएगा। हम शुरू में ही बोल दिए कि ये मैथ जो है अपना जगह पर पहुंच जाएगा, सिर्फ आप लोग कलम कॉपी निकालकर लिखते चलिएगा, ठीक है। ये फिल्म नहीं है जो कि आप लोग देखकर याद कर लीजिएगा, आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि आपका है x प्लस वाई बराबर 14। तो देखिए हम लोग समीकरण 1 में रखे थे x का मान, अब हम लोग रखते हैं समीकरण 2 में। क्या लिखते हैं, तो लिखिए समीकरण दो में वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए तो आपका समीकरण दूसरा कौन है, तो बोलिएगा समीकरण दूसरा तो हम लोग को पता है कि x माइनस वाई बराबर कितना है, तो 4 है, ठीक है, कितना है तो 4 है, x माइनस वाई बराबर 4 है। ये तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अच्छा बात करते हैं कि x माइनस है, माइनस लिख दिए, ठीक है। अच्छा बताइए आप लोग माइनस वाई बराबर क्या है, बताइए तो बोलिएगा वाई बराबर, ये तो निकाले हम लोग, वाई बराबर 5 है, तो वाई बराबर हम लोग 5 लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को ये 4 है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो अच्छा बात करते हैं x बराबर हम लोग 5 + 4 किए, कोई दिक्कत बताइए, तो बोलिएगा जी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर तो 4 पहले लिखाएगा, उसके बाद ये माइनस है तो इधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, तो जी हाँ ये इसी तरह से लिखाएगा, ठीक है। तो x बराबर आप लोग को क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा x बराबर 9 हो जाएगा। तो बताइए दो संख्या हम लोग को पता चला कि नहीं चला, बताइए तो आप लोग, बताइए आप लोग को दो संख्या पता चला या ना चला, तो बोलिएगा जी एक संख्या तो हम लोग को x पता चल गया और एक संख्या y पता चल गया, और यही तो क्वेश्चन बोल रहा था। तो अच्छा बोल रहा है क्वेश्चन, तो हम देखते हैं बिना आंसर देखे हुए, ठीक है, आंसर आपको नहीं देखना है। बात कर रहे हैं कि जो x प्लस y बराबर 14 है तो सही है, तो बोल रहा है x प्लस y बराबर 14 आपका फर्स्ट समीकरण है। चलिए जी तो आप लोग को x कितना है, तो x बोलिएगा 9 है, 9 आ गया। y का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 आ गया। तो 9 और 5 कितना होता है, तो 14 होता है, 14 ही होता है, बताइए आप लोग, तो बोलिएगा जी 14 होता है, ठीक है, 14 होता है। तो 9, 5, 14 और 14 यानी कि 14 बराबर 14, बताइए कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, आपका x माइनस वाई बराबर 4 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो आपका समीकरण जो है x माइनस वाई बराबर 4 है समीकरण 2। तो आपका x का मान कितना है, तो बोलिएगा x का मान तो 9 लाए हैं। उसके बाद y का मान कितना है, तो 5 आया है, तो बताइएगा कितना बराबर लाना है, 4, तो 9 में से 5 गया तो 4 होगा, उसके बाद कितना होगा, तो 4 बराबर 4 है, बताइए। आपको ये क्वेश्चन समझने में किसी को यदि कोई डाउट है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें 100% 101%, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको यदि हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीका से समझाते हैं तो आप लोग को जितना भी ये चैप्टर है प्रतिस्थापन विधि वाला, आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बताइए किसी को कोई डाउट, आप लोग कॉमेंट करिए किसी को कोई डाउट, तो बोलिएगा जी नहीं किसी को कोई डाउट नहीं है। तो क्या हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चले, बताइए आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चले, तो बोलिएगा जी क्यों नहीं चलते, हम लोग चलते हैं। तो आप लोग ये वाला लिख लिए होंगे और ये अपना जगह पे ये मैथ पहुंच चुका होगा, ठीक है। अपना जगह का कहने का मतलब है कि आपका दिमाग में लोड हो गया होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर वन के टू। चलिए जी क्वेश्चन नंबर वन के टू, तो क्वेश्चन नंबर वन के टू थोड़ा सा आप लोग को डरावना लग रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू आपका थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, लेकिन डराना नहीं है, ठीक है, डराना नहीं है। तो आपका यस माइनस टी बराबर 3 है, उसके बाद यस बटा थ्री, उसके बाद है प्लस टी वाई टू बराबर कितना है, तो बराबर 6 है। चलिए जी, तो क्या किसी को यहां तक कोई डाउट होगा, बताइए।
तो बोलिएगा जी नहीं ये वाला तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, आप बता दीजिए, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी बना लेंगे। ठीक है, दो नंबर क्वेश्चन आप बता दीजिए, उसके बाद हम सबके सब क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए क्योंकि आप लोग को 2025 में अच्छा खासा मैथ में नंबर लाना है तो आप लोग को बहुत ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा और हमारे चैनल को भी आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ताकि आप लोग को अच्छा खासा नंबर आ सके। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसको हम लोग हल करते हैं। तो अच्छा, हम ये बात नहीं कर सकते हैं, यस माइंड समीकरण वन पहला चरण समीकरण मानिए, समीकरण वन और समीकरण टू। चलिए जी, समीकरण वन समीकरण टू, तो अब बात करते हैं हम लोग समीकरण वन और समीकरण टू। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण वन को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर। तो आप लोग बोल रहे हैं कि कभी आप मान लेते हैं समीकरण वन को हल करने पे और कभी मान लेते हैं समीकरण टू को हल करने पे। तो देखिए, जैसे कि आप लोग को जो पता होगा कि जो समय पर गियर चेंज करता है वही बाजी मारता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए, इसको हल करना बहुत कठिन लगता, लेकिन हो सकता था, लेकिन बहुत कठिन होगा। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग तुरंत हल कर सकते हैं, इससे हम लोग टी का या यस का मान बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसी को क्यों नहीं करेंगे और इसके बाद यस यस का मान निकाल देंगे। तो बोलिएगा जी जी सही दिमाग लगाएं। ठीक है, तो आप लोग को यस माइनस टी बराबर क्या है, तो थ्री है। यस माइनस टी बराबर थ्री है, तो यस बराबर टी फोर सॉरी थ्री प्लस टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इधर माइनस में तो उधर चल जाएगा प्लस में। तो आप लोग को यस का मान निकल गया है, क्या निकल गया, यस का मान आप लोग को निकल गया है। ठीक है, चलिए जी अब बात करते हैं हम लोग, यस का मान हम लोग को यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब लिखिएगा समीकरण टू में क्या होगा, समीकरण टू में यस का मान रखने पर। ठीक है, यस का मान रखने पर, तो आपका समीकरण टू में क्या है, तो यस वटा थ्री प्लस टी वटा टू बराबर है कितना, तो छ है। चलिए अब इतना तक आगे हम लोग लिखते हैं, तो आपका समीकरण यस के जगह हम लोग लिख सकते हैं थ्री प्लस टी, बताइएगा थ्री प्लस टी वटा थ्री लिखे तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए यस का हम लोग मान निकालने हैं, तो यस का जगह हम लोग रख सकते हैं थ्री प्लस टी। चलिए जी, तो आगे बात करते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देते हैं, टी वाई टू बराबर है छ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं भिन्न का जोड़ निकालने के लिए आता है कि नहीं आता, बताइएगा आता या नहीं आता। तो बोलिएगा जी हम लोग को तो आता है, ये वाला नहीं आता, बोलिए तो दो बटा चार प्लस आठ बटा चार, बताइए ये वाला नहीं आएगा, तो ये वाला तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छा खासा पढ़ने में है, जो कि हमें बहुत बिलीव है कि आप लोग को ये सभी आता होगा, और नहीं भी आता है तो आप लोग को समझने में भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा आप यदि ये वाला नहीं जानते तो एक वीडियो बैक जाइएगा, उसके बाद गणित का बेसिक क्लास है जहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग, आपका अगला बात करते हैं हम लोग को, देखिए तीन और दो का एलसीएम क्या होगा, तीन और दो का एलसीएम क्या होगा। तो ये आप लोग को पता होगा कि तीन और दो का एलसीएम छह होता है, जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसका हम लोग गुना कर देते हैं तो छह होगा। तो तीन का हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि छह मिलेगा, तो बोलिएगा दो बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा तीन दुनाई छह प्लस टू टी, क्योंकि देखिये तीन दुनाई छह प्लस टी गुने टू गुने टी करेंगे तो टू टी होगा। ठीक है जी, प्लस कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा द्वितीय छह यानी कि थ्री टी बराबर छह, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अच्छा बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, छह प्लस तीन और दो पांच टी बराबर छत्तीस, बताइए तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो छह गुने छह करेंगे तो छत्तीस होगा। ठीक है चलिए जी, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव टी, कितना हो जाएगा फाइव टी बराबर हो जाएगा यहाँ पे छत्तीस
माइनस छ, 36 माइनस छ होगा कि नहीं होगा बोलिएगा, तो बोलिएगा जी। यहां तक तो हम लोग को पता है, तो यस सॉरी हम टी बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, टी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 36 में से 6 को घटाना है तो 30 होगा, बट आप 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलिए, तो आप लोग बोलिएगा जी क्यों नहीं लिख सकते। उसके बाद यहाँ पे हम 6 लिखे टी बराबर, टी बराबर आपका 6 लिखे तो कोई दिक्कत बोलिए, तो टी का मान यदि 6 लिखते हैं तो कोई दिक्कत, तो बोलिएगा लिखिएगा क्या, काट कर आएगा 6 तो आप 6 ही ना लिखेगा, 7 थोड़ी ही लिख दीजिएगा, तो जी हाँ हम लिखेंगे 6। चलिए जी आगे बात करते हैं, हम लोग को टी का मान निकल गया है, अब बात करते हैं हम लोग निकालना यस का मान। अच्छा हम यहाँ पे भी समीकरण 2 में भी टी का मान रखेंगे तब भी निकल जाएगा, और यदि समीकरण 1 में भी रखेंगे तब पर भी यस का मान निकल जाएगा। बताइएगा कौन सा समीकरण में रखें, आप ही बताइएगा समीकरण कौन सा, कौन समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखा जाए टी का मान की यस का मान मिलेगा, बताइए तो आप लोग कौन सा होगा। तो बोलिएगा कि सबसे बढ़िया है आप यस माइनस टी बराबर 3 में रखिए, इजी से प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग लिखना पड़ेगा, लिखिएगा क्या, तो समीकरण क्या लिखिएगा, समीकरण 1 में, 1 में टी का मान, टी का मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है जी, मान रखने पर, तो आप लोग को क्या हो जाएगा, तो आप लोग का यस माइनस टी बराबर कितना है, तो 3 है, यस माइनस टी बराबर 6 है, तो टी का मान हम लोग को कितना आया है, तो वो जाएगा 6 आया है, तो यस माइनस टी बराबर आप लोग का हो गया यस माइनस टी 6 आया, उसके बाद 3 आ गया, ठीक है, टी का मान हम लोग को 6 रख दिए। उसके बाद यस बराबर 9 लिखे कोई दिक्कत, 9 बराबर यस बराबर 9, तो बताइएगा यस का मान आप लोग को आया है कितना, 9 आया है, और टी का मान आप लोग को कितना आया है, तो 6 आया है। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ देखते हैं कि क्या हम लोग का आंसर जो लाए हैं सही लाए हैं। तो देखिए यस माइनस टी, तो यस हम लोग का कितना है, तो 9 है, तो 9 माइनस यहाँ पे लिखते हैं पहले यस माइनस टी बराबर कितना है, तो 3 है, तो आप लोग को यस का मान 9 है और टी का मान 6 है, तो 9 में से 6 गया क्या होगा, 3 बराबर 3, यानी कि आपका आंसर पहला सही है, यस का मान सही है। देखते हैं अब टी का मान, तो यस माइनस टी बराबर कितना है, यस सॉरी अब देखते हैं समीकरण दूसरा में है आप लोग का यस वाई 3 बटा टी वाई 2 बराबर 6 है, ठीक है, तो यस का मान हम लोग को 9 वाई 3 है प्लस टी का मान है 6 वाई 2, ठीक है, बराबर 6 है, तो यहाँ 3 दुनाई 6 होगा, और 3 दुना 6 होगा तो 3 दुनाई 6 9 दुनाई 18 प्लस उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 18 बराबर 6, 18 36 होता है, 36 बटाई 6 बराबर 6 होता है, तो 6 छक्का 36, यानी आपका 6 बराबर 6 आ गया आंसर, 6 बराबर 6। चलिए जी किसी को कोई डाउट बोलिएगा, किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर को, 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है, तो बताइएगा अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, बताइए तो बोलिएगा जी। अब तो हो जाना चाहिए, हो जाना नहीं चाहिए, हो जाना नहीं चाहिए, कर ही लाना है, ठीक है, आप लोग को करना ही हर हाल में, क्योंकि आप लोग को रिजल्ट लाना है 2025 में, ठीक है, तो आप लोग को इतना होमवर्क कर लेना है, 2 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, 4 क्वेश्चन आप लोग से कर लीजिएगा, ठीक है, और आप लोग से हमें उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, और यदि आप नहीं करिएगा तो समझ लीजिएगा बिहार बोर्ड में जितना भी एग्जाम देने वाले किसी से ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए जी अच्छा बात करते हैं कि आप तो बोलिएगा कि सब वीडियो में बता रहे हैं आप लोग कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है 3 नंबर का रहता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर का रहता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 नंबर, क्या नंबर, 2 नंबर, ठीक है। तो चलिए जी 2 नंबर हम लोग को प्राप्त हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ये भी क्वेश्चन इजी है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है जी। चलिए यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए जी आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफी ईजी है, तो आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है,
तो आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का सिर्फ हम समीकरण लिखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग से तो आगे बन ही जाता है। आप लोग को समीकरण दूसरा का है, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। बोल रहा है 2x + 3y = 11, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 2x - 4y = -24, ठीक है, -24। तो बोल रहा है कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस थ्री। उसके बाद यम का मान निकालना है, क्या का मान निकालना है, तो यम का मान निकालना है, ठीक है जी, यम का मान निकालना है, तो ध्यान रहना चाहिए। चलिए तो हम लोग निकालते हैं, तो ये बोर्ड को हम साफ करते पहले। चलिए बोर्ड को हम लोग साफ कर चुके हैं, तो आपका क्वेश्चन है कि टू, तो आप लोग लिखिएगा इक्वेशन वन इक्वेशन टू, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि माना कि, सॉरी माना नहीं, लिखिएगा समीकरण वन में, समीकरण वन को हल करने पर, ठीक है जी, समीकरण वन को हल करने पर, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखिएगा 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11। तो आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 3y = 11 - 2x बोलिएगा, तो बोलिएगा जी क्यों नहीं लिख सकते, इधर प्लस में तो इधर चल जाएगा माइनस में, तो बताइएगा y = 11 - 3x / 3 लिखे तो कोई दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, ये भी आप लोग कलम कॉपी निकाल कर रख ले जाइएगा, ठीक है, और लिखते चलिएगा, ये भी अपना जगह पर हम पहुंचा देंगे, ठीक है। आप लोग सिर्फ कलम कॉपी निकाल कर लिखते चलिएगा और मोबाइल पे ध्यान टिकाए हुए रहिएगा, और ये मैथ को हम अपने जगह पर इसको भेज देंगे, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, y = 11 - 3x / 3। चलिए तो अब हम लोग क्या, y का मान निकाल चुके हैं, तो हम लोग को क्या करना है, x और y का मान निकालना है, x और ये जो ओरिजिनल मान नहीं है y का, ध्यान रखिएगा y का मान जो है ये ओरिजिनल मान नहीं है, ठीक है। और यदि आप y का मान यहीं से निकाल दीजिएगा तो यहां से आप लोग को आंसर नहीं मिलेगा। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग, तो रखते हैं हम लोग क्या रखेंगे, तो समीकरण टू में क्या करेंगे, समीकरण टू में y का मान रखने पर। चलिए जी तो आप रखते हैं 2x - 4 × 11 - 3x / 3 - 24 - 24, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग, अच्छा क्या आप लोग को दिमाग लगाया जाए, इस तरह का आप लोग समीकरण यदि करिएगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं होगा लंबा, बोलिए तो जी बोलिएगा, यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा, हमें ऊपर तो समझ में आ गया, इसके बाद यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे बताइए तो क्या करेंगे, तो हमें लग रहा है कि लिखिएगा कि दोनों तरफ 3 से गुना करने पर। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो अच्छा आगे बात करते हैं, यदि हम 2 से 3 से गुना किए हैं तो यहाँ पे 6x भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि होता है 2 तिहाई 6। अच्छा अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × 4 उसके बाद 11 - 3x / 3 - 24 × 3 बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 3 से 3 कहानी खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 6x का 6x लिखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 11 × 4 करेंगे 44 हो जाएगा, और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये 3
चार गुने तीन तो 12 यक्स हो जाएगा, बराबर माइनस 72 होगा। कोई दिक्कत बोलिए तो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। अब दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो गया, तो माइनस से माइनस चला गया। माइनस और माइनस क्या होता है बताइए तो आप लोग, माइनस और माइनस क्या होता है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है। माइनस और माइनस क्या होता है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है। चलिए जी, तो दिक्कत 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 कहां पे आ गया, कहां पे दिक्कत आ गया बताइए तो, कहां पे दिक्कत आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छह यक्स इधर चल गया कितना, तो बोलिएगा प्लस 12 यक्स, प्लस 12 यक्स बराबर कितना, बराबर तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 72 प्लस 44। कोई दिक्कत बताइए तो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बताइए कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हमें लग रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हमें लग रहा है, क्या दिक्कत लग रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे होगा 3y, यहाँ पे होगा 2x, क्या होगा जी, तो 2x होगा क्योंकि ये वाला हम लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा अभी 2x, यहाँ भी होगा 2x, तो यहाँ भी होगा 2x, ठीक है, तो यहाँ पे 4 × 2 = 8 होगा, ठीक है, दिक्कत मिल गया, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, लेकिन अब ये कहानी खत्म हो गया, कोई गड़बड़ नहीं है दया, ठीक है, चलिए जी, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तो हो जाएगा 8x, ठीक है, चलिए जी, चलिए जी, अब बात करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 14x, यहाँ पे लिखते हैं 6x और 8x, तो 14x बताइएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बताइए घटाइए तो कितना होगा, 72 में से 44 को घटाना है तो ये ले लेगा 8 और ये बचेगा कितना, तो 6 में से 2, यानी कि अब माइनस 28 बचेगा आपका, माइनस 28, तो यक्स बराबर आपका आ गया माइनस 28/14, तो आपका बाई का मान, यक्स का मान आ गया माइनस 2, यक्स का मान आ गया बाई, यक्स का मान आ गया माइनस 2। चलिए जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है दया, चलिए जी आगे बात करते हैं। अब यक्स का मान हम लोग निकाल चुके हैं, यक्स का मान निकाल चुके हैं, तो अब बाई का मान निकालना है, क्या निकालना है, बाई का मान निकालना है, तो बाई का मान हम लोग यहीं पे निकाल देते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 में सॉरी यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर, तो देखिएगा आपका इक्वेशन है 2x + 3y बराबर 11 बराबर 11, ठीक है, तो ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, यहां तक आप लोग लिख रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे यक्स का मान हम लोग को आया है कितना आया, तो -2 आया है, ठीक है, कितना आया, तो -2 आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × -2 + 3y = 11 लिख सकते हैं ना। चलिए जी आगे बात करते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4 + 3y = 11, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग लिखिएगा -4 + 3y = 11, तो आप लोग 3y = 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलिए तो, तो बोलिएगा जी हम तो लिख सकते हैं, कहे लिख सकते हैं, तो अपना मन से नहीं लिखिएगा, 3y + इधर है माइनस में तो उधर चल जाएगा प्लस में, तो y = 15y3, यानी कि आपका y का मान आ गया 5, y का मान आ गया आपका कितना, तो y का मान आप लोग से आ गया है 5, ठीक है, चलिए y का मान आप लोग का आ गया है 5। अब y का मान यदि 5 आ जाता है तो x और y का मान हम निकाल चुके हैं, तो आप लोग को बोल रहा है कि निकालिए y, x y का मान निकालना नहीं है, यहाँ पे यम का मान निकालना है, ठीक है, यम का मान निकालना है। चलिए जी तो आगे बात करते हैं, यम का मान निकालते हैं हम लोग,
तो यम बराबर है या वाई बराबर एम एक्स प्लस थ्री, एम एक्स प्लस थ्री क्या है जी, तो एम एक्स प्लस थ्री। तो वाई का मान कितना है, तो वाई का मान पांच है, वाई का मान पांच है, यम का मान निकालना है, एक्स का मान हम लोग को माइनस टू है, प्लस थ्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पांच में से तीन को घटाना है, यहाँ पर माइनस टू एम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दो बराबर माइनस टू एम, ठीक है। तो गुना से इधर भाग में आएगा टू माइनस टू एम, टू एम बटा माइनस टू बराबर यम, तो ये बच जाएगा माइनस वन, यम का मान आ जाएगा बराबर माइनस वन। देखिए आपका आंसर यही है और यही आंसर भी रहना चाहिए, रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आपका जो इक्वेशन है बराबर ग्यारह बराबर चौबीस क्या सही है, बताइए। अभी हम आपको आंसर नहीं मिलाते हैं, अभी हम आप लोग का आंसर नहीं मिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका बुक भी तो गलत हो सकता है। तो जी करते हैं हम लोग, दिमाग लगाते हैं, प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। चलिए जी, तो इतना तक पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए तो प्रूव करेंगे हम लोग बढ़िया से। देखिए हम लोग को एक ही क्वेश्चन सीखना है लेकिन बढ़िया से सीखना है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन सीखना है लेकिन बढ़िया से सीखना है, जो कि आगे चलकर बहुत ज्यादा काम दे, ठीक है। ये नहीं कि कोई जल्दी जल्दी सीखना है, हम लोग को पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने पे ध्यान देना है, ठीक है, ताकि कोई पूछ दिया जाए, कोई पूछ दे आपका दोस्त ही कि ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप लोग यदि इस तरीका से बताइएगा तो आप लोग को दोस्त आप लोग से आप लोग को देख कर डरा जाएगा कि नहीं ये पढ़ने लायक स्टूडेंट है, ठीक है, ताकि आप सीखिए, आप लोग बहुत ज्यादा लोगों को सिखाइए, ठीक है। चलिए जी अब देखते हैं, हम लोग प्रूव करते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। चलिए जी आप लोग को लिखना है, क्या करना है, लिखना है आप लोग को इक्वेशन क्या है, टू एक्स, टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर ग्यारह, तो यक्स का मान कितना आया है, यक्स का मान आया माइनस टू, तो दो गुने माइनस टू, वाई का मान कितना है, तो वाई का मान पांच आया है, तो पांच लिखेंगे, थ्री गुने फाइव बराबर ग्यारह। चलिए तो ये हो गया कितना, दो दूना चार माइनस चार, माइनस चार प्लस ये कितना हो गया बताइए, तो पंद्रह बराबर ग्यारह, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस कौन सा चिन्ह लेगा, तो प्लस वाला लेगा क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है, तो ये हो जाएगा प्लस ग्यारह बराबर ग्यारह, सही है, प्लस ग्यारह बराबर ग्यारह सही है आपका, ठीक है। चलिए जी दूसरा इक्वेशन देखते हैं हम लोग, दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दूसरा इक्वेशन है टू एक्स माइनस फोर वाई बराबर माइनस चौबीस, तो आप लोग का माइनस टू आया है, दो गुने माइनस टू माइनस चार गुने पांच बराबर माइनस चौबीस, तो यहां पर हो जाएगा माइनस चार प्लस सॉरी माइनस बीस बराबर माइनस चौबीस। माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन नंबर आ गया किसका बड़ा, तो माइनस वाला को, तो ये हो जाएगा माइनस चौबीस बराबर बराबर माइनस चौबीस, सही है आपका, ये जो आपका आंसर है सही है, मिला सकते हैं, अब मिला सकते हैं आपको अपना बुक से, तो माइनस चौबीस बराबर माइनस चौबीस। क्वेश्चन नंबर थ्री का क्वेश्चन नंबर वन है कि दो संख्या का अंतर छब्बीस है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, उन्हें संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, उन्हें ज्ञात करना है, तो बताइएगा आप लोग किस तरह से को ज्ञात करिएगा। तो देखिए आप लोग को ज्ञात करना है कि सबसे पहले लिखना है कि माना कि यहां पर लिख देना हल, उसके बाद करना माना कि पहली संख्या यक्ष है, क्या है, तो पहली संख्या यक्ष है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या वाई है, ठीक है, दूसरी संख्या आपको क्या होगा, तो दूसरी संख्या वाई है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या का अंतर 26 है, यानी कि आपका होगा यक्ष माइनस 26, यक्ष माइनस वाई बराबर 26, ठीक है, यक्ष माइनस वाई बराबर 26। देखिए अंतर मतलब होता है कि घटाव करना, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव करना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन की दो संख्या का अंतर 26 है, तो हम लोग को पहली संख्या यक्ष है और दूसरी संख्या वाई है, तो यक्ष माइनस वाई बराबर 26 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण वन, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण वन, समीकरण वन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, और बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है,
एक संख्या दूसरी संख्या के कितनी गुनी है, तो थ्री गुनी है, मतलब कि तीन गुनी है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं यक्स बराबर पहली संख्या है हम लोग को यक्स, ठीक है, और दूसरी संख्या का तीन गुनी यानी कि थ्री वाई, ठीक है, यक्स बराबर थ्री वाई। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट, तो किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं समीकरण दो, इसको हम लोग कर देते हैं समीकरण दो यानी कि इक्वेशन टू। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग, यक्स बराबर थ्री वाई है, तो हम लिखेंगे यहां पे समीकरण समीकरण वन में यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर होगा, ठीक है जी। चलिए तो आप लोग को यहाँ पे रखना है मान, तो हम लोग को फर्स्ट समीकरण क्या आया है, तो आप लोग बोलिएगा यक्स माइनस वाई बराबर छब्बीस, यक्स माइनस वाई बराबर आप लोग को कितना है, तो छब्बीस है, तो यक्स का मान हम लोग को कितना है, तो थ्री वाई है, ठीक है। यक्स का मान हम लोग थ्री वाई रख सकते हैं, उसके बाद वाई है तो यहाँ पे वाई रखेंगे, बराबर छब्बीस होगा। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा और आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बताइएगा थ्री वाई माइनस वाई क्या होगा, बताइए। तो थ्री वाई से अंतर करना है वाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा टू वाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो टू वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे टू वाई बराबर छब्बीस बराबर आप लोग को कितना आया, तो छब्बीस आया, ठीक है। और वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो छब्बीस वाई दो हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा तेरह, बाई का मान आप लोग को कितना आ जाएगा, तेरह आ जाएगा, ठीक है, बाई का मान आप लोग को तेरह आएगा। चलिए तो यक्स का मान आप लोग को निकालना है, यक्स का मान क्योंकि बाई का मान तो निकाल चुके, तो यक्स का मान हम लोग को निकालना है, तो आप लोग लिख सकते हैं क्या लिखिएगा कि समीकरण समीकरण वन में यक्स का मान रखने पर, समीकरण वन में बाई का मान वाई का मान रखने पर, ठीक है जी। देखिए क्योंकि हम लोग को यक्स का मान लाना है, तो बाई का मान रखेंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, यक्स का मान, ठीक है। तो आप लोग को फर्स्ट समीकरण है यक्स माइनस वाई, यक्स माइनस वाई बराबर छब्बीस, यक्स माइनस वाई बराबर आप लोग को है छब्बीस, तो बाई का मान आ गया कितना, तेरह, तो यक्स माइनस तेरह, ठीक है, बराबर छब्बीस। तो देखिए इधर है माइनस में, तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो छब्बीस प्लस तेरह, ठीक है, तो आप लोग को बन जाएगा यक्स बराबर आप लोग को उनचालीस। चलिए यक्स का मान आप लोग को कितना आया है, तो उनचालीस आया है, और बाई का मान आप लोग को कितना आया है, तो तेरह आया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो दो संख्या का अंतर है छब्बीस, तो देखिए घटाते मतलब कि अंतर करते हैं, उनचालीस माइनस छब्बीस को करेंगे तो कितना होगा, तो आप लोग उनचालीस माइनस तेरह करेंगे, ठीक है, उनचालीस माइनस तेरह करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा कितना, छब्बीस। उसके बाद बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का उन्हें तीन गुना करना है, कि यानी कि यक्स बराबर थ्री वाई है, यक्स बराबर थ्री वाई, तो यक्स का मान का हम लोग को कितना आया, तो यक्स का मान आप लोग को आया है उनचालीस, ठीक है, और बाई का मान कितना आया है, तो बाई का मान आया है तेरह, यानी कि तृतीयाई उनचालीस होता है, उनचालीस बराबर आप लोग को आता है उनचालीस, यानी कि आपका ये क्वेश्चन का आंसर सही आया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को थ्री नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझने में किसी को कोई डाउट बताइएगा, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन पे हम लोग चले, थ्री का दूसरा नंबर क्वेश्चन, थ्री का आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री है, आठ अठारह डिग्री अधिक है, ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, क्या करना है, तो उन्हें ज्ञात करना है। चलिएगा ये वाला क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर टू है कि दो संपूरक कोण, ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन है दो संपूरक कोण, यहां पे लिखिएगा दो संपूरक कोण संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए, बताइएगा बताइएगा ये क्वेश्चन को आप लोग किस तरह से बनाइएगा। आप लोगों को बुक में भी ये क्वेश्चन है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से
कितना है तो 18 डिग्री अधिक है। कितना है जी, तो 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिएगा। बताइए किस तरह से आप लोग बनाइएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। हम लोग पहली कोण को मानेंगे x, दूसरे कोण को y कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, आप लोग को सबसे पहले लिखना है कि आप लोग को क्वेश्चन पढ़िए दो समपूरक कोण, ठीक है। मान लेते कि माना कि पहला कोण, पहली कोण क्या है तो x है, और दूसरी कोण माना कि पहली कोण x है और दूसरी कोण आप लोग को क्या है तो y है, ठीक है। दूसरी कोण आप लोग को क्या है तो बाई है। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x माइनस बाई बराबर आप लोग को हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। x माइनस बाई बराबर 18 डिग्री। अच्छा, बात करते हैं दो कोणों का योग कितना होता है संपूरक कोण में, तो बोलिएगा 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि x माइनस वाई बराबर आप दिया है 18 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है, लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दिया है। चलिए जी, तो आप लोग को यहाँ पे निकालना है x y का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिये x प्लस यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं x, इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं, समीकरण वन और इसको समीकरण टू, ठीक है, समीकरण 2। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर तो आप लोग को समीकरण 1 कितना है तो बोलिएगा x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है, तो आप लोग को यहाँ पे निकाल सकते हैं x बराबर 18 डिग्री प्लस y कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बोलिएगा जी यहाँ तक तो हम लोग कर सकते थे। चलिए, तो x का मान इतना तक आया है 18 डिग्री प्लस y, तो आप लोग लिख सकते हैं कि समीकरण दो में x का मान रखने पर, ठीक है जी रखने पर तो बताइएगा आप लोग को समीकरण 2 कितना है, तो बोलिएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर क्या है तो 180 डिग्री है। तो बताइएगा x का जगह आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, चलिए यहां तक आप लोग को दिख रहा है, इधर अब लिखते हैं, ठीक है। चलिए जी, आपका क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है तो 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को x का मान रखना है, तो x का मान हम लोग को लाए 18 डिग्री प्लस वाई, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 डिग्री प्लस 2y, y प्लस y होता है 2y, ठीक है, बराबर हो गया 180 डिग्री। चलिए, यहाँ पर 2y है, उसके बाद इधर है तो प्लस में, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो क्या होगा बताइए आप लोग कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 62 डिग्री, ठीक है, यानी कि 162 डिग्री। तो वाई का मान क्या होगा बताइए, तो 162 डिग्री वाई 2, तो हो जाएगा 81, ठीक है, 81 डिग्री आपका एक ठो बन जाएगा कितना, तो 81 डिग्री, यानी कि y का मान आ गया 81 डिग्री। चलिए, तो अब हम लोग को निकालना है x का मान, तो x का मान हम लोग को किस तरह से निकलेगा बताइए, तो अब आप लोग को x का मान निकल सकता है कि नहीं बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग अब निकालते हैं x का मान, तो हम लोग फिर से हल करते हैं कि समीकरण वन में क्या रखना है y का मान, समीकरण वन में y का मान रखने पर, तो आप लोग को y समीकरण वन कितना है तो x माइनस वाई बराबर है 18 डिग्री, ठीक है, x माइनस वाई बराबर आप लोगों को कितना है तो 18 डिग्री है।
तो यक्स माइनस बाई बराबर 18 डिग्री है, तो आप लोग को बाई का मान आया है 81 डिग्री। ठीक है, बाई का मान आप लोग को कितना आया है, तो 81 डिग्री आया। ठीक है, चलिए 81 डिग्री, तो 81 डिग्री इधर यक्स बराबर हो जाएगा 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा बताइए तो आप लोग, तो 8 × 9 और 8 × 9 यानी कि 99 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 99 डिग्री। चलिए तो यक्स का मान आप लोग को आया 99 डिग्री और बाई का मान आ गया आप लोग को 81 डिग्री। ठीक है, अच्छा बोल रहा है यहाँ पे दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो चलिए अंतर करते, 99 माइनस 81 करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर सही है। यहाँ पर चेक कर लिए 18 डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक यहाँ पर भी आया आंसर, तो आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं। और आपका आंसर आया यक्स का मान 99 डिग्री और बाई का मान 81 डिग्री। चलिए और एक हम लोग माने थे कि यक्स प्लस बाई बराबर 180 डिग्री होता है, मतलब कि हम लोग समीकरण 2 में माने थे कि यक्स प्लस बाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो ये भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। यक्स प्लस बाई यानी कि 81 डिग्री प्लस 99 डिग्री करते तो 9 × 10 9 × 8 = 17 × 18 यानी कि 180 डिग्री। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही है। तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझने में किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए जी, तो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री। यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आप लोग वीडियो को कहीं पे शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदा है, कितना में खरीदा है, तो 3800 रुपये में खरीदा है। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है जो कि आप लोग से बन जाना चाहिए, यदि नहीं बनता है तो आप लोग को तैयारी और ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और ये वाला वीडियो का स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर थ्री का थ्री चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3 बोल रहा है, इसका हम टोटल क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, जो भी समीकरण बोल रहा है वो हम सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका समीकरण क्या बोल रहा है, आपका समीकरण बन जाएगा यहाँ पे कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, मान लेते हैं कि माना कि बल्ला यक्ष है, क्या है, माना कि बल्ला यक्ष है, माना कि बल्ले कितना है, तो यक्ष है। ठीक है, माना कि बल्ले कितना है, तो यक्ष है। ठीक है, और गेंद कितना है, तो गेंद आपका बाई कर देते हैं। ठीक है, गेंद आपका बाई हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, आपको समीकरण 1 में बन जाएगा कि 7 बल्ले प्लस 6 बॉल, ठीक है, 6 गेंद की कितना रेट है, तो 3800 रुपया। ठीक है, 3800 रुपया इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं, तो समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बोल रहा है आपको उसने 3 बल्ले, तो बल्ले हम लोग मान लिए 3x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा, गेंद है 5, उसके बाद हो जाएगा 1750 रुपया में खरीदा है। ठीक है, 1750 रुपया में खरीदा है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2, चलिए तो इतना बात दिया है। ठीक है, इतना बात दिया गया है, चलिए जी, इतना बात दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग को यक्स और वाई का, मतलब कि गेंद का रेट निकालना है और बल्ले का निकालना है रेट, तो बताइएगा किस तरह से निकलेगा। तो आप लोग बोलिएगा कि सबसे पहले आप लोग को तो ये वाला हल करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला आप लोग को हल करना पड़ेगा। चलिए तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रतिस्थापन विधि को हटा देते हैं, उसके बाद लगा देते हैं विलोपन विधि, जो कि बहुत जल्दी बन सकता है, लेकिन आप लोग को जो बुक में बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए, तो प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे बनाना है। ठीक है, चलिए जी, तो हम लोग समीकरण 2 को हल करते हैं। क्या करते हैं, तो समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 2 को हल करने
पर। तो आप लोग को समीकरण टू कितना बोल रहा है, तो 3x प्लस 5y बराबर कितना है, तो 1750 है। ठीक है, 1750 है। तो यहाँ पे हो सकता है 3x बराबर 1750 माइनस 5y माइनस 5y बराबर क्या होगा, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1750 माइनस 5y y 3। यहां तक किसी को कोई डाउट बताइएगा, किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो अब हम लोग x का मान पुट कर सकते हैं समीकरण समीकरण वन में। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप लोग समीकरण वन में x का मान रखने पर, समीकरण वन में x का मान रखने पर। ठीक है जी, समीकरण वन में x का मान रखने पर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए जी, तो आगे बात करते हैं और आगे भी बात आपको बनता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कलम कॉपी के साथ भी लिखते चल रहे होंगे और ये मैथ ये अपना जगह पे पहुंच रहा होगा। ठीक है, चलिए जी, तो आगे बात करते हैं। आप लोग को x का मान रखना है हम लोगों समीकरण दो में, सॉरी समीकरण एक में मान है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण वन में x का मान रखने पर, तो आपका समीकरण वन कितना है, तो 7x प्लस 6y बराबर कितना है, तो 3800 रुपया। ठीक है, कितना है जी, तो 3800 रुपया। तो x का मान हम लोग कर सकते हैं 7 × कितना कर सकते हैं, 7 × 1750 माइनस 5y माइनस 5y बटा 3, उसके बाद प्लस 6y बराबर 3800 रुपया बराबर 3800 रुपया। तो बताइएगा किस तरह से बनेगा, बताइए। तो देखिए, हम सिंपल करते हैं, यहाँ पे सिंपल दिमाग लगाते हैं, यहाँ दोनों तरफ 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इस तरह का ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे की करिएगा कि दोनों तरफ लिखिए, पहले दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर। ठीक है जी, 3 से गुना करने पर, तो देखिए यहां पर ये गुना कर देंगे 3 से, तो ये 3 से 3 कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 से इधर गुना कर देना। ठीक है, बात को समझ रहे हैं कि नहीं, तो बोलिएगा जी। अब बात करते हैं, यहाँ पे 3 से 3 खत्म हो गया, तो अब करते हैं हम गुना। तो 7 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 × 5 करेंगे तो 35 के 5 हो जाएगा, बाकी 3 × 49 और 3 × 51 होता है, हाथ में रहा 5, और 7 और 5 कितना होता है, तो 12 होता है। 7 और 5 कितना होता है, तो 12 होता है। उसके बाद माइनस 5y प्लस 6y बराबर हो गया आप लोग को 38। 38 × कितना होता है, तो 38 × 76 होता है। ठीक है, 38 × 76 होता है, यानी कि 8 × 24 = 4, बाकी 2 और 3 × 9 = 11। उसके बाद आप लोग को 2 0 ले लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस 5y बच गया इधर, और प्लस 6y बराबर आप लोगों को कितना होगा, तो ये जो प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 11400 माइनस हो जाएगा कितना, 12150। तो अंतर करना है, क्या करिएगा, तो अंतर करिएगा। ठीक है, अंतर करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 12150 में से घटाना है 11400। ठीक है, तो 0 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 7 × 4 = 11 होता है, यानी कि 750। ठीक है, 750 बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा, 22 बराबर आप लोगों को कितना हो जाएगा, 750। ये जो आपका मान आया है, 22 का मान कितना आया है, 750। पहले देखिए इतना तक समझ में आने कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक समझने में किसी को यदि कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, बोलिए। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बताइए। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। ठीक है, 17 × 50 करते हैं, 17 × 50 = 7 करते, तो 0 × 7 = 35 के 5, बाकी 3। ठीक है, और 7 × 7 = 49, 49 × 50 = 52, सॉरी 49 × 7 = 35 के 5, बाकी 3, और 7 × 49 = 50 = 52 होता है। ठीक है, आप लोग को गुना जो था गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे गुना करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, 7 × 35 के 5, बाकी 3। ठीक है, बाकी 3, और 7 × 7 = 49 होता है, 49 × 3 = 52 होता है, और ये 1250 होगा, 12250 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 35y। ठीक है, 35y, 7 × 35 होता है 35y प्लस 6y।
ठीक है, बराबर यहाँ पे 38 तिया कितना होता है, तो 8 तिहाई 24 के 4 बाकी 2 और 3 तिहाई 9, 2 और 11 यानी कि 11,400। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गलत कर चुके थे। चलिए जी, तो आगे बात करते हैं हम लोग, माइनस 35 वाई प्लस 6 वाई बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 11,400 माइनस कितना हो जाएगा, तो 12,250। ठीक है, 12,250। तो देखिए यहां से माइन क्या हो जाएगा, तो माइन प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन चिन्ह लग जाएगा माइनस का, और जोड़िए कितना होगा, तो 45 ये हो जाएगा 41। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 वाई का मान आपका वाई बराबर 29, इसके बाद ये वाला घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 12,250 में घटाना 11,400। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, यहाँ पर 800 होगा। ठीक है, यानी कि आपका बन जाएगा 850, तो माइनस में, तो माइनस से माइनस कहानी खत्म कर देते हैं, और बाई का मान आप लोगों को कितना मिलता है, तो 850 बाई 29। चलिए भाग करिएगा तो कितना आएगा, तो 29 से भाग करिएगा 850 में, तो कितना होगा बताइए, तो 29 से यदि भाग करते हैं हम लोग 850 में तो क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, यानी कि बाई का मान आप लोग को मिल जाएगा 50। बाई का मान आप लोग को क्या मिलेगा जी, तो बाई का मान आप लोग को मिल जाएगा 50। तो अब हम लोग यक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, यक्स का मान आप निकालते हैं, बाई का मान तो हम लोग को 50 आ गया है, तो अब हम लिखते हैं, इधर आप लोग नोट कर लिए होंगे, पहले नोट कीजिए क्योंकि आप लोग को जगह इसमें बहुत ज्यादा चाहिए, तो आप लोग स्क्रीन शॉट कर लिए होंगे। चलिए जी, आगे बात करते हैं हम लोग, आगे आप लोग को बात करना है, ये वाला हम मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाई का मान हम लोग को 50 आया है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में यक्स का मान, सॉरी बाई का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर ठीक है जी, y का मान रखने पर, तो आप लोगों को 7x है, सॉरी मार्कर चेंज करते हैं, 7x प्लस 6y बराबर कितना है, तो 3800 है। ठीक है जी, 3800 है, तो y का मान कितना आया, तो y का मान आ गया 7x प्लस ये हो गया y, यानी कि 6×50 बराबर आप लोग को आया है 3800। ठीक है, तो 7x बराबर ये हो जाएगा कितना, तो ये बोलिएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 300 बराबर 3800 रुपया। ठीक है, उसके बाद 7x है, तो इधर है प्लस में तो चल जाएगा माइनस में, तो 3800 माइनस करना है 300। ठीक है, तो 7x बराबर आप लोग को आ जाएगा कितना, तो बोलिएगा 3500 होगा। कितना होगा जी, तो 3500 होगा। तो यक्स का मान कितना आया, तो यक्स का मान आएगा 3500 वाई 7 यानी कि 500। ठीक है, यक्स का मान आप लोगों कितना आ गया है, तो यक्स का मान आप लोगों का आ गया है 500। चलिए, तो आप लोग बता सकते थे कि यक्स का मान यानी कि बल्ले का रेट कितना था, 500, और गेंद का कितना था, तो 50 रुपया। चलिए, ये क्वेश्चन समझने में किसी को यदि कोई डाउट है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है जी, चलिए जी, तो आप लोग को 3 का 5 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, तो आप लोग को हम 6 क्वेश्चन है, तो आप लोग को हम लोग 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके। ठीक है, चलिए जी, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े का नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, क्या किया जाता है, तो सम्मिलित किया जाता है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर की भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन है आप लोग को न्यू बुक में नहीं है। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन है आप लोग को न्यू बुक में देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा, यदि होगा तो हमारे पास क्वेश्चन वो नहीं है। ठीक है, चलिए जी, तो आप लोग को हम लोग 3 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, आप लोग आगे यदि आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप लोग कर सकते हैं, यदि नहीं होगा
तो आप लोग कुछ, यदि आप लोग के पास होगा तो आप लोग हमारा नंबर लिख लीजिए, उस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को नंबर है 7667 3226। आप लोग को तीन में जो कितना क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था, जो कि आप लोग को हम लोग कितना करा चुके हैं, तो 3 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, ठीक है। और हमारे बुक में जो है 3 क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो आप लोग ये नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, उसके बाद हम 3 क्वेश्चन को वीडियो जरूर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।